अस्सलाम वालेकुम साहब, आप बुलाए और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। नाचीज को नूर भाई पान वाले बोलते, याद करे कहते गरीब को। जैसा मालूम हुआ पहली फुर्सत में डब्बा बंद करा, आपके वास्ते स्पेशल पान बना के लाया। खाते की टन टनाटन हो जाना, शहनाया बजना घर में। अब इस उम्र में पान काम नहीं आता, बैठ। बस्ती का टॉप का मुखबिर है कहते ना तू। अरे साहब एक बात बोल, जब वहाँ की खबर यहाँ ला सकता, यहाँ की खबर वहाँ लेके जाता। अरे क्या साहब, ऐसा मखबर बोल के जलील कर दे रहे। इन्फॉर्मर तो भी बोले तो जरा एक क्लास दिखता, नहीं तो ये बच्ची की अम्मा भी बोल सकते आप मेरे को। वो कई को बोले तो कब किसके घर में कौन घुस रहा, किसकी आंटी का चक्कर किसके अंकल के साथ चल रहा, किसकी गिच्ची किसके साथ होने वाली है, कब कौन कहाँ आता और कहाँ जाता, अल्हम्दुलिल्लाह ए टू जेड इन्फॉर्मेशन रहती है अपने पास। वैसे जरिया माश के लिए गली के नुक्कड़ पे गरीब का एक पान का डब्बा है, नूर भाई पान वाले बोलते मेरे को। एक सेकंड साहब। हेलो जमील, अरे कली कार्गो से यूएस को 40 पान भेजा है ना मियाँ। ठीक है एक बार चेक करके बता मेरे को। साहब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यूएस पूरे गल्फ में अपना ही पान चलता साहब, अगर आपकी दुआ रही तो इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में पूरा यूरोप भी कवर कर लेते हो साहब। तू पूरे चांद को कवर कर, उससे मेरे को क्या, ये बस्ती में जो लीडरा बन के फिर रहे ने, उनके बारे में बता। साहब मैं पिछले 5 सालों से पीएस की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, कितने की अशाया आए गए लेकिन आज तक वो पहलवानों के बारे में कोई भी नहीं पूछे। आप वाहिद पहली ऐसी हस्ती है जो उन लोगों के बारे में पूछ रहे। एक राय है साहब, लाइट ले लो उन लोगों को, उन लोगों का सेट है बस्ती में। अगर आप रिश्वत की सोच रहे ना साहब तो फौरन ट्रांसफर ले लो, एक रुपया मिलने वाला नहीं है आपको। मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा। वाह बोल। वाह साहब। और जोर से बोल। वाह। मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा, मुझे रिश्वत ना दो, मुझे रिश्वत ना दो, मैं फिर भी कहीं ना कहीं से तो ले ही लूंगा। आपकी सूरत देख के समझ गया साहब, आपके चेहरे से झलक रही रिश्वत की आवाज। बस अब उन दोनों की पोल खोल और सट्टा नगर की इकोनॉमिकल और ज्योग्राफिकल पोजीशन बता। वो दो गैंगा है साहब, दोनों गैंगा आखिरी निहायती कमीने है साहब, पूरी बस्ती की जीमें ढी करके रखती है साहब। और साहब उन लोगों बस्ती को 200 में डिवाइड कर दिया साहब, 50-50 पार्टीशन, एक जना इधर मस्त कमारा और एक जना उधर। इस शहर के रॉबिन हुड है बोलो। लाहौल वाला खुवत कई कुछ का नाम खराब कर रहे साहब, उन्हें तो भी अमीरों से लेता था और गरीबों को देता था, लेकिन इन लोग अमीरा गरीबा गलीजा यहाँ तक के फकीरों को भी नहीं छोड़ते साहब, उन लोगों से भी लेके खा जाते। तो अब तक आजाद क्यों घूम रहे? अरे आपको तो मालूम है ना साहब, अपना कानून सबूत मांगता और उन लोगों के खिलाफ गवाही देना मतलब शेर के कान में काड़ी करने के बराबर है, इसके वास्ते बेखौफ होके आजाद पंछी के सर का फिर रहे उन लोग। तो फिर कसम सोने की चेन की, उन लव बर्ड्स को पिंजरे में कैद करने का टाइम आ गया। कांस्टेबल उन दोनों की फाइल लेकर आओ। साहब उन लोगों की आज तक एक भी फाइल नहीं बनी, उन लोगों के काले करतूतों की कहानी मैं अपनी जबानी सुनाऊंगा आपको। जो छोटा गैंगस्टर है ना साहब, उन्हें बहुत बड़े गैंगस्टर के खानदान से है, इसका मतलब उसके बाप दादा उन लोगों का सही नाम बना के चले गए, इन्हें वही नाम का इस्तेमाल करके हवा बना के हल्लू हवा जमा लिया अपनी। नाम क्या बोला उसका? नाम कहाँ बोला साहब? नहीं बोला तो अब बोल। रजा। रजा। भाई भूत मारे लोग। हफ्ता निकाल, तुम्हारे से पहले दूसरा गैंग आके लेके गया। दूसरा गैंग कौन है? अरे हमारे एरे में आके हफ्ता वसूल कर रहा। नहीं मालूम रे तेरे को रजा भाई का एरिया है सो। कौन है रे रजा भाई? अलील गाड़ी निकाल। ये लोग आंचे तो को बस्ती में मारे सो। अरे अरे
तुम्हारे एरिया में आ गया भाई, मेरे को नहीं मालूम था भाई, गलती से आ गया भाई, भाई मेरे को माफ कर दो ला भाई। बॉटल ला। हेलो भाई। अरे भाई धूप में मैं फाइट करा बोल के ठंडा भी लेके आए, बहुत अच्छे है भाई आप। और एक बात बोलना भूल गया साहब, इन्हें अपने अड्डे पे लूडो के नाम पे नौजवान बच्चों को तबाह और बर्बाद कर दे रहा। हजारों का जुआ चल रहा साहब, और पुट्टों को स्कूल के फीजा बनने घरों में पैसे दिए तो लिख जा के जुए में डाल रहे साहब। अच्छा, और अब दूसरे पलान के करतूतों के बारे में भी सुन लीजिए। असल में इलीगल तरीके से इंटरेस्ट का कारोबार चलाता, एक नंबर का सूदखोर है साहब, गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाता, और उसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है, कई को गवाही नहीं देते लोग बोले तो, लोगों को पैसों की जरूरत रहती ना साहब। इसका भी कुछ नाम बोला ना? इसका नाम कब बोला साहब, आप एक्स्ट्रा में सुन लेते क्या? मेरा स्टाइल है रे। ऐसा, इसका नाम है, आप क्या शाम तक बोलता, बोल। इसका नाम देखो। अरे जल्दी बोल। जरा ठहरो साहब, ये मेरा स्टाइल है, गुल्लू दादा। गुल्लू दादा, ये नाम सुने वैसा दिख रहा। रख, भागने की कोशिश नहीं करना। तू क्या, तेरी सात पुश्तों को जानता हूं मैं, और वो लोगा भी मेरे से नहीं छूटे, समझा? चल, आज तेरा प्लान फेल हो गया। चलो तुम्हारे कमरे में। सबको वार्निंग दे रहा हूं, कोई बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना, समझे? क्या बोल रहा हूं? क्या हुआ, लाया पैसे? तारजन भाई आ गए, इसको पैसे देना हूं मैं। कैसा करूं, क्या करता कि क्या है कि कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। तारजन भाई, मेरे को मालूम मैं आपसे इंटरेस्ट पे पैसे लिया, मगर क्या करूं, दे नहीं सको, कितनी कोशिश करो, दो दिन से बच्चे भी नहीं खाए, घर में भूखे प्यासे बिलबिला रहे, बीवी मेरी हॉस्पिटल में, मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तारजन भाई, तारजन भाई थोड़ा टाइम दे दो, तारजन भाई पैसे वापस कर दे दो, तारजन भाई रहम करो साहब। ये 100 रुपए रख लो, बच्चों को खाना खिला लो, स्कूल की फीस भी भर लो, बकरे भी खरीद लो। साले फर्स्ट टेस्ट पे फेल हो गया तू, फर्स्ट टेस्ट पे फेल। अरे अपने धंधे में नो सेंटीमेंट्स, ओनली पेमेंट, समझा? ओनली पेमेंट्स। अगर तेरे जैसा मैं बनाना तो ताला लग जाता है यहाँ पे। निकालिए। तबर कहाँ है? क्या हूँ? ला रहा हूँ इसको। अरे छोड़ो भाई, की चल को। चल। अरे भाई। एमआर ग्रुप से गद्दारी। साले जिस्म में छटा गोश्त नहीं है। गुल्लू दादा से गद्दारी कर रहा। पिलपिले। ला देखो भाई। अच्छा करा लेके आया सो। अरे तेरे को मालूम ना,
लोगा दूर दूर से अपने बकरियां बुला के मेरे बकरों कने छोड़ते, कई को बोले तो उनके भी अट्टे कट्टे बच्चे पैदा होना बोल के, मगर तू मेरी बगैर परमिशन के मेरे बकरे को ले जाके वो कमजात बकरियों कने खराब करता रहे। हाँ माफ कर दो भाई, गलती हो गई भाई। कितने बकरे तेरे पास? बकरे एक भी नहीं है भाई, मुझे बकरियां है भाई। आई ले भाई, इन्हें अपने बकरे को खुलगे की तरह यूज कर रहा, पूरी डोटी में एक खुलगा काफी है बल्कि। इसके बाला नोच मार इसको। ये ताकत है, ठहरो। ठीक है, तेरे को तो मालूम मेरा इसके साथ साथ इंटरेस्ट का भी कारोबार है। अब तू क्या कर, इंटरेस्ट के तौर पे साल में जितने भी तेरे बकरियों को बच्चे होंगे वो एक एक करके मेरे को लाके दे दे। ठीक है, अब एडवांस के तौर पे एक 50,000 रुपए मेरे को देके जा। मैं इतने बच्चे कैसे दूं भाई? मारो पैसे दे दे भाई, भाई भाई दे दे तू भाई। ठहरो रे, ठहरो ठहरो, किसी को साथ में भेजो भाई, एटीएम से निकाल के दे। साथ में जा, चल जा, चल तू। अरे पूरे 50,000 किन के लाग? तो साहब ये था इन दोनों का इंट्रोडक्शन। और साहब दोनों में खतरनाक दुश्मनी है, कभी भी मिले ना लड़े बगैर नहीं रहते। वो जोश फिल्म में दो गैंग आ रहते नहीं, ईगल गैंग और बिच्छू गैंग, वैसी। अब परसों की बात ले लो, दोनों मिलके एक साथ एक होटल में चाय पीने के वास्ते आ गए। गरीबों की पार्किंग उधर है, हटा गाड़ी, ये बस की पार्किंग है। हटा मिया, हटा वहां से। माफ करना भाई, अभी हटा लेता हूं। लाइट लो, चलो आओ। छोटे छोटे समोसे ला इधर। छोटे बड़े लोगों के लिए बड़े समोसे लेके आ, माप के लियो जी। छोटे समोसे ये लियो, बड़े समोसे। भाई बाहर बोर्ड लगा देना था, ये हत्ती गेंडों को नहीं आने देना बोल के। आई ले भाई, आपको गेंडा बोल रहा? तेरे को कैसा मालूम है मेरे को बोला बोल के? हाँ यहाँ पर दोनों छे ना। हेलो बॉस। बोल। तुम्हारा को नहीं बोला, उसको बोला। बोलो फैन इधर पलटा, पलटा फैन इधर ही छिरेगा। इधर जवान लोग का है, हमारा खून गरम रहता, फैन की जरूरत तम्बाकू है, समझे? तू कब से जवानों में शामिल हो गया रे? भूल गया क्या तू मेरा क्लासमेट है? गम चूरी। अरे चल। अरे वो फैन को उंगलियां ना को करो रे, फैन चालू नहीं है वो। छोड़े। चाय बोल। छोटे तीन कश्मीरी चाय ला। छोटे चार चस्का स्पेशल चाय ला, मलाई मार के। चार कई को? दो घर को ले जाता। अरे अपन लोग पैसे वाले हैं, वैसे भी अपन एक कदम उन्होंने आगे रहते। शाबाश शाबाश। अरे नरसिम्हा तेरा रंग छूट रहा रे। भाई ओ अंकल, ये उम्र में होटल की चाय नहीं, घर में बैठ के शुगर फ्री चाय पीना, समझे? क्या बोला रे रजा? हाँ दबर भाई, लड़ाई शुरू हो रही, आपके हाड़ को लेके उठना था। किसकी हिम्मत रे मेरे भाई को मारने की, 17 मटर 18 की तलाश में। उसको हाथ लगा तो अंगार लगा डालता हूँ, पूरी होटल जला देता हूँ। किसके बाबा की समझ के जलाता रे? अरे इलियास पुलिस को फोन कर। तो ऐसा है देखो साहब, मतलब अब इनके खिलाफ कोई बस्ती में गवाही तो देने से रहा, सवाल ही पैदा नहीं होता साहब। तो फिर एक काम करते हैं, रजा का लूडो का अड्डा और गुल्लू का इंटरेस्ट का अड्डा, वहाँ पर जाकर इन्हें पकड़ते हैं। एक सेकंड साहब, जरा मैं उसको कॉल करके पूछ लेता हूँ, के पास टाइम है नहीं, अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता साहब। हाँ बोले तो जाओ साहब, नहीं तो नको जाओ साहब। रख फोन, रख। सर्जिकल स्ट्राइक। कौन से सरहद पे साहब? सरहद पे नहीं रे, सट्टा नगर पे सर्जिकल स्ट्राइक। कितनी देर सोया मैं? यही कोई आधा घंटा बॉस।
नींद बराबर नहीं हो रही रे। अरे बॉस आपको नजर लग गई? मेरे को भी वैसी दिख रहा। एक काम कर दो, मैं आज शाम में दो जबरदस्त पारी कवे लाके आप पे जो वार दे दो बस। क्या बोलते आप? लेटर कहाँ है रे? अरे नरसिम्हा कहाँ गया बॉस का लेटर? मेरे क्या मालूम, अरे मार दिया क्या कोई? रही कौन मारे रे, जवाब आता रहे तुम लोग। रही क्या साहब, बच्चे का एडमिशन कराने आए क्या? बैठिए प्लीज। खलील सर एडमिशन का फॉर्म ला लीजिए। ला रहा सर, लीजिए। बचपन में मेरे को पिक्चरों का बड़ा शौक था। अमिताभ बच्चन, जब तक बैठने को कहा नहीं जाए बैठो मत। आए, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। माय ऑल टाइम फेवरेट हीरो। ये जो सेटअप है ना, उन फिल्मों में हुआ करता था। पुलिस आने से पहले प्रांत साहब अपने जुए खानों को, शराब खानों को कुछ इसी तरह बदल दिया करते थे। मेरे को तेरी इस छिछोरी हरकत पर कोई हैरत नहीं है। हैरत है तो इस बात पे कि मेरे आने से पहले मेरे आने की खबर कैसे आ गई तेरे पास। साहब अगर आप आ रहे, मेरे को मालूम रहता तो मैं एक ठंडा मंगा के रखता था। अरे नरसिम्हा साहब को ठंडा लेके आ, बहुत गर्म दिख रहे। ठंडा तो हम पियेंगे और जरूर पियेंगे, लेकिन तेरे को ठंडा करने के बाद। साहब इससे पहले गुल्लू दादा वहाँ अपने अड्डे को मदरसा बना दे, जाके फौरी छापा मार लेंगे। चलो अड्डे पे नहीं रे, उसके घर पे जाके छापा मारेंगे अपन। रजा कॉलेज, ऑल कार्ड्स आर एक्सेप्टेड। क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बेटे? हाँ सर, हमारे अब्बा बोले सर से सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पूछना, जो पढ़ाए पढ़ लेना। अच्छा सर। अच्छा तू क्या पढ़ रहा बेटे? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग बोल। EXC। चुप। वाह रे मास्टर वाह, अच्छी ट्रेनिंग दी आपने बच्चों को। वैसे मैं पुलिस ज्वाइन करने से पहले ऐसे कॉलेजेस का प्रिंसिपल हुआ करता था। खैर मेरे पास अब सबूत नहीं है, बहुत जल्द सबूत के साथ वापस आऊंगा। तेरे को तेरे कॉलेज से घसीटते हुए अपने PS लेकर जाऊंगा। और अगर तू ऐसा नहीं चाह रहा तो इसका 50% मेरे टेबल पे पहुंचाना। चलता हूं। ट्रांसफर हो के गली चाय करते आप। एक एडवाइस देता हूँ, सावन अभी नक्को खोलो, कहीं क्यों बोले तो दूसरी शिफ्टिंग कभी भी हो सकती, और शिफ्टिंग बहुत थका देने वाला काम है। क्या रे अकेले खाए तो पेट खराब हो जाता, कभी भी मिल बांट के खाना, उससे क्या होता हाजमा भी सही होता। समझे? समझाऊं बात को? खैर मैं फिर आता हूँ सरप्राइज टेस्ट लेने। ये गुल्लू सेठ के करतूता दिख रही, खुद तो उड़ने के काबिल नहीं रहे, अपने पना काटने के चक्कर में। हो बस वैसे दिख रहा मेरे को भी। अब तुम ना क्या सही में पढ़ लेते बैठते? प्रिंसिपल चले गए, बुका बंद करो, टेबला सही करो, खेलना शुरू करो। चलो उठो रे उठो। गुड मॉर्निंग। क्या रे सुबह सुबह मेरे को काम पे लगा दिया, खुद तो मस्त सो रहा। मैं यहाँ ड्यूटी पे हूँ, मैं इंस्पेक्टर जफर खान, तेरे सट्टा नगर का नया इंस्पेक्टर। इंटरेस्ट का धंधा करता कहते ना तू? कौन बोले साहब आपको? हाँ फेक न्यूज का जमाना है आजकल, गलीज बकवास न्यूज ऐसी फैल जाती, आपको कोई कंप्लेंट करे नहीं ना। हाँ मैं तेरे को वार्निंग दे रहा हूँ, जो करता कर, लेकिन कोई इलीगल काम नहीं, वरना यहाँ से घसीटते हुए तेरे को लेके जाता हूँ अपने PS में। साहब हमला कोई सूट पूरा नहीं है भाई, गरीबों की मासूमों की मदद करते। ये गोलमोल बच्चा कौन है, बीच में क्यों बोल रहा है इन्हें? अरे जब दो बड़े बात करें तो बच्चे बीच में नहीं उठते। अच्छा हुआ साहब दोस्ताना नहीं देखे, नहीं तो थप्पड़ मार के बोलते थे तेरे को। हाँ तो गुल्लू दादा नाम है तेरा, ये एरिया का दादा है तू। आपको नहीं मालूम शायद, बंगाली में दादा भाई को बोलते, और हम सबके भाई हैं। आ वैसे पुलिस भी अपने करीबी है, आप फिक्र रखो करो। आ भाई के ताया अभी पुलिस में थे। कौन सी पोस्ट पे थे?
पोस्ट तो नहीं मालूम मगर उन्होंने भी चॉकलेटी रंग के जूते पहनते थे। हाँ। मैं तेरे खानदान की कविता सुनने नहीं आया यहाँ पे। आए कविता नाम के हमारे खानदान में कोई हैज नहीं। देखो साहब मैं मटन सप्लायर हूँ, बकरों का कारोबार करता हूँ, फंक्शनों में मटन सप्लाई करता हूँ, और कुछ भी नहीं है। तू कुछ भी धंधा कर लेकिन तेरे इंटरेस्ट के धंधे में से 20% मेरे टेबल पे पहुंचाना। क्या रे अब इसको 20% दिए तो अपने को क्या बचता बैगन? हाँ अब तनख्वाह भूल जाओ तुम लोग। अरे तुम इधर उधर से मेरी तनख्वाह कहीं को रोकते भाई? ये लौंडे रजा का काम दिख रहा भाई, पुलिस को उन्हें भिजाया। ये रजा को सजा देना ही पड़ेगा। बॉस ये महीने की तनख्वाह नहीं दिए, 6 तारीख होगी बॉस। हाँ ऐसी पूछा नहीं भी दिए तो चलता। फिर पूछा गई को? ऐसी पूछा बॉस बच्चों की स्कूल की फीस देने का है, वो क्या है कि ना नया निकाले टर्म फीस करते। मैं बोल दिया। हाँ। मैं बोल दिया बॉस अभी तनख्वाह नहीं दिए, जब भी तनख्वाह देंगे स्कूल को जाके बन लो फीस बोला। ठीक है जब तक घर में पढ़ लो बोला बॉस। अच्छा करा। और बॉस बेगम भी बोलते घर में राशन खत्म हो गया। मैं बोल दिया अभी बॉस तनख्वाह नहीं दिए, जब देंगे ना अपन राशन भर लेंगे, जब तक की हवा पे चला लो बोला बॉस। और हमारे खालू का भी फोन आया था बॉस। कौन से? हर महीने की 1 तारीख को मैं तनख्वाह भेज देता था बॉस, अब के नहीं भेजा बॉस। मैं बोल दिया अभी बॉस तनख्वाह नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, मैं भेज देता हूँ बोला बॉस, क्योंकि ये अब काम चला लो कैसा भी, खाली क्रॉसिंग पे बोला बॉस। ठंडे मौसम में सिगरेट मारने का मजा ही चला गया बाप। हाँ बॉस। बॉस वो आमिर है ना, उसके घर में नए किराएदार आए बॉस। अपना हिस्सा दिए? 1 रुपया नहीं दिए। चल आ गई तेरी तनख्वाह। चलो बॉस। चल रो बॉस। क्या घूर रही, उन्हें सोने का बने हुआ नहीं होता। क्या बैठे भाई, लैला भाग गई इसके साथ। क्या ही नहीं मालूम, आज पैसे देते बोले थे ना, घर को गया लाख पड़ा हुआ है। अब ये लैला का एड्रेस गूगल सर्च नूर निकालेगा। यहाँ एक पोस्टर लगाओ। ए आमिर उन्हें नहीं, किसकी परमिशन से एंट्री लिए बस्ती में, मेरा हिस्सा देना नहीं मालूम। ए हु आर यू, कैसा हिस्सा? एक सेकंड आमिर, मेरे बिना परमिशन के घर तो दे दिया, यहाँ के रूल समझाना नहीं मालूम। रजा भाई पूरे रूल्स बता दिया था मैं। किसे बताया, कब बताया, क्या बताया? मुझे कुछ नहीं बताया। इस भाई आपकी बेटी को बताया था। बुलाओ उसको। लैला भाई, मैडम को सब समझा दिया था। ठीक है तू निकल। लैला ये क्या है सब? बाबा ये 2 कौड़ी के गुंडों को ये महल्ले में घर लिए तो आधा किराया देना कते। ए मैडम मुंह संभाल के बात करो, किससे बात करें नहीं मालूम, किस चीज का पैसा देना है तुमको? ये मेरी बस्ती है, यहाँ रहने के पैसे देना पड़ता। तुम क्या राजा है यहाँ के? आओ। नहीं देते क्या करते? क्या करते, नरसिम्हा जरा कुंडे देगा अच्छे दिख रहे, शुरू हो जा। समझ गया भाई। खलील जरा वो फैन की कंपनी तो चेक कर। ठीक है। अरे, अरे क्या कर रहे, अरे रजा रोको बाबा, अरे रुको, अरे रुको जाओ प्लीज, अरे अरे रुको प्लीज बाबा, सब तोड़ दे रहे, फोड़ दे रहे, अरे रुको, अरे रे रे, अरे तोड़ दिए बाबा। देखो बेटा मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, थोड़ा वक्त दो बेटा मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। तुम ये बेटे बेटे बोल के मेरे को जो सेंटीमेंट कर रहे हैं ना, मेरा दिल मोमबत्ती नहीं है पिघलने के वास्ते। डालो क्या भाई? एक सेकंड शुरू। मेरा दिल मोमबत्ती नहीं है पिघलने, अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है, ना कोई तोड़ सकता ना कोई जोड़ सकता, समझे? तुम लोग 2-3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आराम से सेटल हो, उसके बाद मैं आके मेरा आधा किराया लेके जाता हूँ। चलो बॉयज। सलाम अलैकुम नूर भाई। वालेकुम सलाम मियां। कहाँ जरा बाबा छिटा तो बनाओ। एक धार में दो धार में डबल धार मारो।
डबल धार की बात ही अलग रहती। ये लीजिए आपका पान तैयार हो गया। वाह क्या पान बनाए भाई बेहतरीन। बेहतरीन पान नहीं, 5 रुपए निकालो। कल ले लो भाई। क्या मैं चिट्ठी के पैसे मांग रहा? तेरे से कल ले लो बोल रहा सो? ये कल ले लो परसों ले लो, ये भामटे बात इधर नहीं चलते। अभी पान खा, अभी पैसे निकाल। अब पैसे नहीं है भाई, कल दे दो ना। फौरन थुक। अरे पान खराब हो जाता है। पहले पान खराब हुआ तो पान जाए पर उधार ना जाए, समझा? थुक, मुंह बता, निकल चल। क्या आदमी है जी तुम? ये उधारी के कस्टमरों की तरफ से डब्बा बैगन में मिल जा रहा मेरा। वाकई भाई, क्या हिला लेते ठहरा, पान धो के ला, भाग। हफ्ता निकालो जल्दी। हेलो, क्या लाना बोले जी तुम? आलू, मिर्ची। क्या बोल रहा सट्टा नगर भाई? अपनी तारीफ। गुल्लू भाई को तो कोई पूछ रहे भी नहीं, देखे तो सलाम भी नहीं कर रहे। खाली रजा भाई बोलते ऐसा निकाल के गिन के दे रहे। क्या रे भाई, गुल्लू का अलाम नहीं होना पड़े लोग। खाली रजा भाई बोल के एंट्री लेते घपा घप दे दे रहे लोग। अलहमदुल्ला। क्या आज फिर हाजी का हिस्सा नहीं दिख रहा? 3 महीने से बंद है भाई, उन्हें 3 महीने से नहीं आया, उसका तो देखना है। इन्हें कौन सी बिल में छुपके बैठा हुआ है? छोटू, इस हफ्ते ऋतिक रोशन का स्टाइल। देखो रजा भाई, तेरी दुकान किराना स्टोर 1 हफ्ता होगा बंद करके। तू उससे पहले के 3 महीने से बाकी था, जान दो बोल के टाइम दिया। हाँ, शटर बंद करके भाग जाता। बेटे मेरे को धोखा देने की सोचेंगा भी ना, वही सोच में घुस के मारता हूँ, समझा? नहीं चल रही बोल के उठा दिया मैं। क्या करूँ, 2 कौड़ी का हो गया मैं। मेरे को टांगा तोड़ते तोड़ दो, मेरे को मारते मारो, मगर मेरे कने फूटी कौड़ी नहीं है रजा भाई। मेरे पास आखिरी गरीब हो गया भाई। हौला है क्या इन्हें? हाँ हौला है। तू देख तेरी वैल्यू। अलील जरा फोन दे, आदमी करोड़ों का रहता रे। हाँ ऋतिक का स्टाइल हो ना तेगू, अब मुन्ना भाई स्टाइल कैसा रहता देख। हेलो जंतर मंतर हॉस्पिटल, रजा बोल रहा हूँ। सिगरेटा फूकता? अरे नहीं पीता भाई मैं। हाँ सिगरेटा नहीं, लंग्स फ्रेश है। हार्ट अटैक आया था? अरे फ्रेश हूँ भाई मैं, बोलो ना हार्ट अटैक फ्रेश हूँ। दिल भी साफ है पागिट? अरे पीना कुछ भी नहीं है भाई, कभी छिया भी नहीं करते, फर्स्ट क्लास बेटा। हाँ दिमाग का क्या है? दिमाग अच्छा है मगर यूज नहीं करता हूँ। अरे वाह तू तो परफेक्ट है, काम हो गया मेरा। सुन सुबह एम्बुलेंस भेज के बॉडी ले ले, पूरे पार्ट्स निकाल के 10 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, खत्म राइट। बेटे तू क्या कर, ये 20 रुपए पकड़ और रात में बगैर कोलेस्ट्रॉल के बिरयानी खा के आराम से सो जा, सुबह एम्बुलेंस आके लेके चले आते। भाई ऐसा ना करो, मेरे साथ पैरा पड़ता हूँ भाई। मैं 2 दिन में तुम्हारे पूरे पैसे देता हूँ रजा भाई, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ रजा भाई। ठीक है 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, जाके इंतजाम कर और इंटरेस्ट के साथ मेरे को होना पैसे, समझ गया तू? नहीं तो मालूम ना क्या होता, किडनी एम्बुलेंस। जा मैं बच गया। आज बारिश नहीं है, मौसम पूरा साफ है, ये पूरे कपड़े धोके डाल दो, मैं जरा सहेली के पास जाके आती हूँ। क्या बेगम, शोहर मजाजी खुदा रहता उससे ऐसे काम लेते तुम। खैर आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। आने वाला नहीं, आ गया। अरे तबर तेरी जरा गोबर की चप्पल सुंगा इसको। सुंगा। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। बाबा ये नुस्खे पुराने हो गए, दादा दादी के नुस्खे है ये, कुछ नया करो। देखो गुल्लू भाई, खर्जा फेंडे के रोज वजीफे और दुआएं कर रहे, जल्दी फेर दे तो तुम्हारा खर्जा। अरे खाली वजीफे दुआ से कुछ नहीं होता, माँ अमल भी करना पड़ता, समझे? ठीक है अब इंटरेस्ट के तौर पे बाहर जो तुम्हारी बाइक खड़ी हुई है ना वो लेके जा रहा हूँ। चलो। अरे वो हमारे बाबा जहेज में दिए सो गाड़ी है, वो आखिरी निशानी है, लेके जाना है तो इनको लेके जाओ आप। माँ क्या जमाना आ गया भाई, अबा बाबा लोग सुहाग को बचाने के वास्ते चुड़िया निकाल के देते थे, लच्छे निकाल के फेंक देते थे, मगर ये औरत गाड़ी के वास्ते मर्द कुछ कुर्बान कर दे रही। क्या आएगी? चलो मियाँ बाइक लेके जाएंगे, चलो चलो भाई। क्या जी बोले अरे कोई एक चालन रख रहे, घड़ी घड़ी कहीं बता रहा, डिस्टर्बेंस कर रहा पूरा। अरे हर स्टेशन पे खाली आइडा आ रहे जी। ओ आओ तुम आए तो आज याद आया मुझे, गली में आज नूर निकला। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, अब फुर्सत मिली, तुम्हारे को सुबह फोन करा तो शाम में आ रही, बहुत बिजी हो गए। भाईजान बाहर के 56 काम आ रहे थे मेरे को, आपके सर का समझे क्या? आपके पास क्या 10 आदमी आए काम करने के वास्ते? गरीब अकेला है, डेली कुआ खोदना है, डेली पानी पीना है,
और डब्बे का कारोबार तो आपको मालूम है ना, डेली गल्ले में जेब से 300-400 रुपए डालना पड़ रहा, उधारी के डायरिया बढ़ते जा रहे, एक रुपया वापिस नहीं आ रहा। ये गाना अच्छा है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे को एक काम के वास्ते बुलाया हूँ। वो यूसुफ ने रिटायर सर, हाँ। उसकी बेटी लैला जो है मेरे से 5 लाख रुपए ली, क्या की कारोबार कर लेती मुल्के, और मेरे को बगैर बोले भाग गए लोगा। भाई उन लोगों तो घर शिफ्ट कर दिया ना, सामान के साथ ऐसा कदम बाहर रखते की पकड़ लियो। क्या बोले फिर? मैं बोला कहाँ किधर, गुल्लू भाई का खर्चा साहब बाकी है क्या पूछा? हाँ, क्या बोले? तो उनके वाली साहब बोले नहीं बाबा, 1 रुपए के किसी के रवादार नहीं है, बोल के बोले। क्या सफेद झूठे रे भाई, इसके वास्ते मैं ज्यादा खोज खबर नहीं करा, लाइट ले लिया उन लोगों को। अरे मेरे को एक फोन तो करना था, जब फोन करा था भाईजान ऑफ था। बमाना कोदाल, मेरा फोन 24 घंटे 7 खुला रहता। आपका नहीं भाईजान, मेरा फोन। खैर मैं अब तेरे को 24 घंटे का वक्त दे रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर वो दोनों का पता होना मेरे को। क्या बोल रहा हूँ? आप टेंशन रखो लियो, आपका काम हो गया समझो, खत्म। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं लेके आ रहा हूँ लोगों का पता। अच्छा आपके लिए स्पेशल पान लाया था। ये क्या है लाल पान? अरे भाई वो आपके वास्ते नहीं है, वो आपके बकरों के वास्ते लाया था। 2 किलो का बकरा खाती की 8 दिन में 20 किलो का हो जाना। अरे तारजन जी भाई, एक पान तू भी डाल ले, 20 साल से छटा गोश है तेरे आंग पे। एक बात बोलिए, लोग अमूमन ऐसे मौकों पर पॉलिटिशियंस, एक्टर्स और क्रिकेटर्स को बुलाते हैं, आपने मुझे क्यों जहमत दी? सर मैं आपकी फोटो मेरी बुटीक में लगाऊंगी, ताकि ये गुंडे देख के वो फोटो ऐसा भागना जैसे कुत्ते कुत्तों की गाड़ी को देख के भागते। कसम है सोने की चेन की, गुंडे तो गुंडे, गली के कुत्ते भी 2 बार सोचना बाहर भौंकने से पहले। भाई इन्हें लैला घर में कपड़ों की दुकान खोल ली भाई। ऐसा इससे ऐसी ओपनिंग करा रही पुलिस है भाई, आज कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ नूर बोल। गुल्लू भाई आप 24 घंटे का टाइम दिए थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह 18 घंटे के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लियो। वो लैला जो है ना रजाई की बस्ती में कपड़ों की दुकान खोल रही कहते, आज पुलिस वाले नए एसआई से करा रही कहते ओपनिंग। अबा ऐसा? गुल्लू भाई आप आइए। ये मच्छरा समझते हम सोते हुए इंसान का खून चूस के उड़ जाएंगे, बच जाएंगे और दूर तक भाग जाएंगे, मगर कहाँ तक भागते, कहाँ तक बचते और कहाँ तक जाते? शोरूम तो जबरदस्त डाले, मामला फुल तरक्की पे दिख रहा। आपसे ही जो ओपनिंग कराने वाले थे, लेकिन आपका फोन ऑफ आ रहा था। ऐसा? अरे तारजन बोलो भाई, ये खरसदारों को मेरा फोन लेते वक्त ऑन और देते वक्त ऑफ कहीं को बताता रे? क्या है कि भाई, और अपनी इतनी इज्जत के लोग शोरूम की ओपनिंग कराएंगे हमारे से? 5 लाख के 100% से कितने होते रे? निकाल, रहने दे, तू हिसाब करे ताकि नू फिर से भाग जाते। आपके हुए 10 लाख, अभी की अभी मेरे 10 लाख रुपए दे दो, फिर उसके बाद आराम से धंधा करो, मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं करूंगा, समझे? 10 लाख क्यों, हम लोग तो 5 लाख लिए थे ना। टीवी पे खबरें नहीं देखते? काला धन छुपा के रखने वालों को 100% जुर्माना है। वैसी गुल्लू भाई थोड़ा टाइम दे दीजिए, आपका पैसा दे देंगे। ये बात उसेन बोल्ट के जैसा भागने से पहले होती तो मेरे पास ऑप्शन था, अब कोई चांस नहीं है, अब तो पैसे लेके जाऊंगा मैं यहाँ से। क्या सेठ, रिटायर्ड नहीं थे तुम? हाँ कब तक ऐसा उछलते कूदते फिरेंगे? हेलो बेटे, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जान दो, कुलाटी मारना नहीं छोड़ता। बंदर से कंपेयर कर रहा मेरे को? मिसाल दिया जी, इससे पहले शेर की दिया तो नहीं बोले? चलो बस, देखो सेठ ये सब लाड़ा घर को जाके करो, चलो निकलो यहाँ से, इधर अपना इन्वेस्टमेंट है। ओहो, चिंटियों के भी पर निकल आए, मैं तो खाली मुर्गियों के पर निकलते समझा था। ठीक है तू इतना उड़ रहा ना, ये लोग मेरे 10 लाख रुपए देना है, तू गिन दे मैं चले जाता हूँ। तो ये शरीफ जादे तुम्हारे 10 लाख देना है? हाँ। ठीक है तुम वसूल कर लो, मगर मेरे एरिया में करने के 50% अपने को आ जाना। अरे 50% इनको दिए तो अपने को क्या बचा? वही 5,
अरे तू कमीने, इतना हिसाब में कमजोर है ना, ये हिसाब कैसा जल्दी कर लिया? अरे मैं नुकसान का हिसाब जल्दी करता हूँ जी। ओ लैला सुनो ना, मेरे को तुम्हारे में इंटरेस्ट है ना ये गुल्लू सेट में। जो भी मेरे को पैसे देगा उल्लो का प्रोटेक्शन करूंगा मैं। अगर तुम मेरे को 5 लाख देंगे तो मैं इनसे प्रोटेक्शन दूंगा, और अगर तुम मेरे को 5 लाख देंगे मैं इनसे वसूली करके तुम्हारे को दे देता हूँ। अब मेरे पैसे वसूल करने तेरे जैसे अंडे में की जर्दी से मदद लेना पड़ेगा मेरे को? इतना बुरा वक्त आ गया अपने पे। शेर अपना शिकार मरते दम तक अकेले करता। बोल दे रहा हूँ तुम लोगों को, 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन के बाद आऊंगा, पूरा सामान उठा के ले जाऊंगा और दुकान को लॉक कर दूंगा। चलो रे। समझे? समझ जाओ, नहीं तो कल के दिन आके वो हैंगर में लटका दूंगा। वो तन रहा है, ऐसा आता बैगन का बाल लाल गाड़ी में। मारो, तू भी मारे को भी एक चांस दियो ना। मार ले। चल। देखे रजा भाई के डर से गुल्लू दादा जैसा पहलवान भी दुम दबा के भागा। कहाँ भागा, 2 दिन में वापस आता हूँ बोल के गया। 2 दिन के बाद आंदो, 2 घंटे के बाद आंदो, कोई कुछ नहीं उखाड़ लेता, मैं हूँ ना, लेकिन मेरे को मेरे 5 लाख होना। हमारे पास 5 लाख रहते तो उसके मुँह पे फेंक के वो पौश बस्ती में जाके रहते थे, ये चिंदी स्लम बस्ती में कई को रहते थे। बड़े बात है, नहीं है ना पैसे, नहीं है ना, माफी। अरे भाई ऐसा बच्ची के सामने पिघल के तो कैसा? कैसा भाई? आज से मैं ये तुम्हारी बुटीक का पार्टनर। वही बोल रहा हूँ, यहाँ से पूरा हिसाब किताब मेरे हाथ में। बॉयस। यस बॉस। बोट चेंज। ठीक है भाई। नूर भाई कल डब्बा कई गुने खोले था? अमेरिका को गया था मियाँ। एक दिन में अमेरिका को जाके आ गए? प्राइवेट जेट से गया था। अबा प्राइवेट जेट, ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था? इम्पोर्टेंट काम नहीं था मियाँ, 4-5 पहुंचाना था बच्ची को। बच्ची को? कौन बच्ची भाई? इरफाना। इरफाना ताहिर की बेटी यारो। अब ये ताहिर कौन है बड़े भाई? इट्टा भी नहीं मालूम, अमेरिका का प्रेसिडेंट मियाँ। अरे अमेरिका का प्रेसिडेंट तो ट्रम्प है ना बड़े भाई? ट्रम्प तुम लोगों के वास्ते होगा, हमारे वास्ते ताहिर है, टोली चौकी का रहने वाला, सामने खिला सो बच्चा समझा। टोली चौकी में रहता हूँ फिर। अरे रहन दोस्त तुम्हारे बात, ये बड़े लोगों के लेवल के बात है रे, तुम जैसे लड़नों के समझ में नहीं आते, जाके पानी का बोतल लेके भाग। इलो उस्ताद पानी का है? तुम इस बोले ना खाली बोतल लाओ बोल के पानी का। अब इसके वास्ते हाथ के नीचे से नीचे रह गया तू, कभी जिंदगी में ऊपर नहीं आएगा, पानी भर के लेकर चल चल। अब सही पानी पिला तो इनको एक दिन। होला काका की। सलाम वालेकुम नूर भाई। वालेकुम सलाम, खैरियत नूर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। नूर भाई इनको पहचानते आप? क्या करा इन्हें? बहन के रिश्ते के बारे में दरियाफी करने आया था। घर के बाजू बॉडी है आपके? कई को भाई। अगर बॉडी है तो बच्ची को ले जाके बॉडी में डाल दो, लेकिन इसको रखो दियो। अरे कई को ऐसा बोल रहे भाई? आखिरी जल्लाद किस्म का इंसान है। क्या जुल्म तो इनके घर से शुरू होता, शराब पिए बगैर आँख नहीं खुलती इसकी, गांजा पिए बगैर नींद नहीं आती। चूहे का सबसे बड़ा अड्डा इनके घर में। ऐसा अगर आपकी बच्ची को दे रहे तो 2 दिन में जला के मार देते इन लोग। मेरी बात सुनो, रिजेक्ट कर दो फौरन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा सुनो लो जी, मैं बोला बोल के नक्को मालूम हूँ, दो खाली पीली लड़ाई झगड़ा कहीं कुछ क्या? ठीक है, जर्रा मंडी को जाके आता हूँ, बोल तो मेरे को गाड़ी नहीं दिया था ना। अब देख बेटा तेरा पता कैसा कट करा। इस डिजाइन में कोई दूसरा कलर है? हाँ है ना, एक सेकंड। इस कलर में कोई दूसरा डिजाइन है? क्या तमाशे हो रहे हैं वो? लैला तुम्हारी बुटीक में कोई खरीदता नहीं, खाली देख के टाइम पास करते। ए जाओ यहाँ से। तुम ये सबको दिखा लेते हुए नक्को बैठो। क्या भाई? कपड़े रे। अच्छा कपड़े कपड़े कपड़े। नहीं दिखाना तो क्या करना? मैं पहले गिराक की सूरत देखता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ कौन खरीदता कौन नहीं, समझे? ये बेकारी के लोगों पे टाइम पास नहीं होता अपने से। आइए आइए भाई आइए, क्या होना आपको? साड़िया होना। कई को पैंट में कुछ खराबी है क्या चीचा तुम्हारे? अभी क्या बोला मैं, आदमी की सूरत पहचानो रे, ये रस्ते का माल सस्ते में खरीदने वाला अपनी ये पास बुटीक में भटक के आ गया सो है। क्या 100 में 3 बननी ना होना? नहीं तुम्हारा 4 लाख की शॉपिंग करने आया था मेरी बेटी की शादी के वास्ते, मगर 1 रुपए की भी शॉपिंग नहीं करूंगा। अरे वाह वाह बहुत अच्छी सूरत पड़े तुम। अब अगर तुम चाह रहे हैं कि ये दुकान चलना तो प्लीज एक कोना पकड़ के बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए मेरे को चलाने दो दुकान। ठीक है लेकिन बिल मैं बनाता हूँ। यूके में बारिश से तबाही करते मियाँ। अच्छा हुआ यूके इंडिया में नहीं है। अरे हौले, यूके बोले तो उत्तराखंड,
इंडिया में जाता वो भी। भाई पूरे इंडिया में बारिश हो रही, अपने शहर में नहीं हो रही। कहाँ से होंगी, तुम जैसी इफ्लासा है तो बारिश कहाँ से होती। अरे जब हम इतने इफ्लासा है तो हम लोग को रखे कहीं को भाई। वो भी अपनी एक पॉलिसी है रे, तुम लोगों का ब्लड ग्रुप और मेरा ब्लड ग्रुप सेम है। कल के दिन मेरे को गुरुदेव फेफड़ों की जरूरत पड़ी तो तुम लोगों का निकाल लेता हूँ। आओ आओ आओ, आप आए बाहर आई। अरे मियाँ मेहमानों के वास्ते कुर्सी लगाओ। नहीं, ठीक है, रहने दो। ऐसा है, हम घर आए हुए चाहे दोस्त हो या दुश्मन, सबकी इज्जत करते, ये हमारा काम है। जब इतने अच्छे ख्यालात हैं तो ये गुंडागर्दी और जबरदस्ती कई को। ऐसा है मैडम, कुछ धंधे शराफत से नहीं चलते। जब मैं बचपन में होश संभाला तो सोसाइटी में देखा गुंडों की जी हुजूरी आओ भगत हो रही और लोग भाई भाई बोल के पीछे भाग रही, तो मैं भी गुंडा बन गया। पैसे लाए? नहीं लाए। तो फिर कई को है सूरत दिखाने आए? गुल्लू भाई थोड़ा वक्त और चाहिए। टाइम वाइम कुछ नहीं होता, टाइम ओवर टाइम हो गया, पैसे होना मेरे को। अब हमारे पास नहीं है पैसे, आप जो करते कर लो। जो करते कर लो, ये हंटर देख रही, ये बकरियों को मारने नहीं रखा मई। आपसे बात करना ही बेकार है, चलो बाबा। क्या बारे जोर से लगी? अरे फिर हंटर से मारे तो नहीं लगती भाई। क्या करूं, सामने वाली पार्टी पे इंप्रेशन डालना था। जा टाइगर बम लगा ले जा। ये देखिए, ये एकदम नया आया और आप पे कलर भी बहुत अच्छा देखेंगे। अच्छा, ये भी देख सकते हैं आप, एकदम नया डिजाइन है। यही पैक कर दीजिए। ठीक है। वो ऑलरेडी बुक्ड है। बुक है मतलब? मतलब वो मेरे होने वाली बीवी को पसंद कर लिया था, मगर अब आप लोगों को भी पसंद है तो रख लो, नहीं तो मैं रख लेता। नहीं नहीं, हम ही लेंगे। आ जाओ। अब्बा इतना बड़ा बिल, पूरी दुकान का सामान नहीं होना मेरे को? मुट्ठी भर पैसों में पूरी दुकान लेंगे तुम ना? नहीं होना। नहीं होना, कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दो। ये क्या है? कैंसिलेशन फीस। कुछ भी नहीं देते, ये तो जबरदस्ती है, नहीं होना। बॉयस बोलो भाई। इन लोगों को जरा अंदर तो लेके जाओ। ठीक है, दे दो। नहीं नहीं, hey, लेडीज पे हाथ नहीं उठाता हूँ बोल के बच गई। मेरे बिजनेस में इंटरफियरेंस नहीं। तुम ला गई उठे रहे, जाओ। चलो। कैसी शॉप को लाई जी? आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे स्लीपिंग पार्टनर बन जाओ ना। अरे क्या निकल विकल गई क्या, बच्चों के सामने ऐसे बात करते? भाई तभी छोटे नहीं, सब मालूम हम आगो। पैसे डिक्की में डाल। ठीक है। भाई आप नहीं बनते बोल तो मैं तो भी बन जाता हूँ, क्या नहीं करा आपके लिए गरीब। अरे मतलब एक पार्टनर जो इन्वेस्ट करके घर पे बैठ के कमीशन खाता, उसको बोलते स्लीपिंग पार्टनर। एक काम करो, तुम मेरे स्लीपिंग पार्टनर बन जाओ। डरो ना को, मेरा मतलब वही चीज जो तुम बोलना चाह रही। मेरे को ये घर पे बैठ के खाने की आदत नहीं है, अपन ये धंधा चलाते। दो दिन में दुकान बंद हो जाती अगर आप यहाँ बैठे तो। आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप बाहर ही रहो। हम लोग दुनिया भर का कर्जा ले लिए ये दुकान डालने के लिए, और अगर ये दुकान नहीं चली तो हम लोगों के पास जहर खाने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं रहता। जहर खाने से पहले ये बुटीक की चाबी दे दो। चल रख रहे, रख फोन रख। एए, आ चल बनता रख। तू मेरे को पहचाना नहीं, तारजन बोलते मेरे को, दो मटरा करो मैं समझा, तेरे को नहीं मालूम, फोन रख। क्या बारे कौन है वहाँ? कस्टमर केयर था भाई, बिल नहीं बना तो फोन कट कर देता हूँ। कस्टमर केयर वालों को पहचानते तुम जो ऐसा धमकियां दे रहा? दीवाना मल्लू कहीं का की। वालेकुम गुल्लू भाई। वालेकुम सलाम, कैसा आ गए? देवानंद को लेके फिल्म बना रहा हूँ मैं। इन्हें तो मर गए शायद ना? नहीं भाई, जूनियर देवानंद है ये। जूनियर हूँ लेकिन सीनियर से कम नहीं, एक ब्रेक चाहिए। मैं क्या करूँ भाई, मेरे को फाइनेंस होना था भाई। भाई फिल्मों को फाइनेंस नहीं करता, मेरे को मालूम है, फिल्मों में पूरे पैसे अंदर हो जाते हैं, अपन नहीं करते ये। नहीं भाई, है भाई, होना तो उसके पेपर रख लो भाई। जाओ इनके पूरे सेना लियो, अंगूठे लियो और गाड़ी लियो, और फिल्मों को मैं 10% लेता हूँ, क्या भर रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो चलो। शुक्रिया। अब देखिए गुल्लू दादा, मैं क्या क्या करता हूँ। अगर मेरे पैसे टाइम पे नहीं मिले तो फिर तुम देखना मैं क्या क्या करता हूँ। चलो जाओ। रुक 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 जाना। नरसिम्हा क्या है,
सुबह 6 बजे से खटका मार रहा हूँ मैं, ऐसा सोते पड़े तो ही फ्लासी आ जाती, फजर से खोल देना। ये कोई इडली डोसे की दुकान नहीं है जो सुबह 6 बजे से खोल के बैठ जाएंगे। एक, मेरे साथ उल्टे जवाब करेंगे, ये पार्टनरशिप बर्खास्त करके अकेला ओनर बन जाता हूँ। पार्टनरशिप? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, आप कोई मेरे पार्टनर नहीं है। ऐसा? खलील कहाँ जा रहा? गुल्लू सेठ को फोन मिला भाई और बोल रजा भाई बीच में से हट गए, आके पैसे वसूली कर लो बोल। अरे नहीं नहीं सॉरी, मेरा मतलब तो कुछ और था। ठीक है कट कर दे भाई, रिंग हो गई ना। हाँ बॉयस, एक काम करो, अगरबत्तियां और ऊद का धुआं दियो और गले में मैं देता हूँ, आज ये मैडम को बता देंगे रजा भाई कितने लकी है। चल बाप चल। बड़ी बात से तोबा, दुकान में ठहरने की जगह नहीं रहेंगी। क्या है? क्या हो रहा है? 3 घंटे हो गए गिराक नहीं आया, ऐसा वेट कर लेते बैठे तो बैगन भी अपने पैसे नहीं निकलते। बॉयस चलो अब करेंगे प्लान बी। प्लान बी? सेल 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 सेल, रजा भाई का बेहतरीन एक्सक्लूसिव वैरायटी से आओ लेके जाओ, बाद में न बोला माल खत्म हो गया तो, शादी में पहनो, रोज पहनो, जबरदस्त वैरायटी है। आइए, तू भी बोल रहे, एक से एक कपड़े भाइयों बहनों, आइए और लेकर जाइए। ले मिया। हलील देख रहा है इन ओढ़नी कैसा टाइट बन लिए, वो नल खराब हुआ तो टूटी को बनते ने पानी रोकने वैसा दिख रहा। ला दे दो हमारे पैसे, नहीं होना। हां मुझे उठाओ चलो लेके जाओ जी, हमारा बेहतरीन वैरायटी है। आओ आओ देखो लेके जा रहे, बाद में नहीं बोलना मेरे को, खत्म हो जा रहा माल हमारा। जबरदस्त है, शानदार, ये दे दूं, अच्छी वैरायटी है, ले लो। क्या नाम है आपका? ये देखो ये भी जबरदस्त है। अरे भाई चकले लगाया था आने। अरे ठहर भाई, क्या हो रहा हो खलील? नहीं नहीं भाई, जो भी है वाजबी लगा देते, अच्छी वैरायटी है लेके जाओ भाई, खुद के हाथ का बना हुआ है, जबरदस्त, क्या रे अच्छा है, ले लो उधर जो। आइए देखो लेके जा रहे, देखो पूरा माल खत्म, बाद में ना बोला, बाद में ना बोला, बाद में ना बोला। अरे क्या हुआ भाई? ओहो रितिक फोन जाना बोल जल्दी। अरे मैं क्या थी, पैंट शर्ट पहन तो ना, मैं किडनी आ गई से अच्छे है, एम्बुलेंस नहीं दिख रही। एम्बुलेंस की क्या जरूरत है, कॉमेडी करा मैं, मजाक करा जी, और ये पैसे निकाल जल्दी। अरे ये क्या जबरदस्ती है भाई, उठा ले कौन सा अभी, ले पिंक सूट होता था। अच्छा, पन्नी तो दियो। हाँ पन्नी, अब बाल बाल बच गया। आइए आइए रजा भाई की बेहतरीन वैरायटी से माल खत्म हो जाएगा, फिर ये ना कहना हमें खबर ना हुई। ऐसा करते रे बिजनेस, वो घर में बैठे तो 1 रुपए नहीं निकलते थे, चल गाड़ी निकाल। पैसों का बंदोबस्त हुआ? नहीं नहीं हुआ। नहीं हुआ, तुम लोग देते ना करते, खाली ठगा रही। ए सामान डालो रे अंदर, चलो भाई निकालो। भाई आ गया देखो साला, आज सर पे से पानी पूरा ऊपर होगा, आज नहीं छोड़ेंगे। क्या जेड हवा उतर गई? अपनी हवा कब उतरना रे, आज के दौर के एंटी रामा राव है अपन, मरते दम तक राज करेंगे। हाँ ये भाषणों का दौर खत्म ही हो गया, अब खाली एक्शन ही चलता। अरे आजा। अरे साले आज तो मैं छोड़ूंगा। अरे तुम छोड़ो जी, उसके बाद देखो खाली। खाली छुड़ा रे मगरमच्छ के पंजे से, छोड़ो जी, और कुल्लू से आज तक कोई नहीं बच सका। जिम को जाता ना रे तू, छुड़ा। क्या कर रहा, क्या तो भी कर रहा, गरम कर रहा हूँ, गरम कर रहा हूँ। काइकू ये ले। ये ग्रिप से कई जाना चले गए, ये ग्रिप के अंदर गिरफ्तार करो सालों को। ए, चल छोड़ ए, छोड़ दूसरे को, हसम सोने की चेन की, मेरे इलाके में लड़ते रे। चल
इन्हें शुरू करो सब पहले। इन्हें शुरू करें। नहीं इन्हें शुरू करो। जब इन्हें शुरू करो। एक 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 रिक्वेस्ट साहब। एक पंच मार लेता हूँ इनको। एक काम कर, दोनों को एक ही लॉकअप में डालता हूँ। एक नहीं दो मार लेना। चल अब। अड़ी में डालो सालों को। यस। भाई, एमएलए को फोन लगाऊं क्या? भाई, एमपी को फोन लगाऊं क्या? चुप रे, कहां से लगा था? फोन आ तो खींच लिया हमने। भाई, इसको सब बैंड कर देता हूं, तारजन बाहर निकल के जाके फोन लगा लेता। चुप रे, सामने बैठा हुआ हमने, हां? क्या साहब, हां? हेलन अमिताभ को फंसाई जैसा हमारे को फंसा के ला लिए, मगर मालूम ना आखिरी में हेलन ही फंसती सो। अमिताभ बच्चन भी है ये जेल में। और है खलील, है ना यहाँ पर तुम्हारे बाप अमिताभ बच्चन? इनो अमिताभ बच्चन, इनो अभिषेक बच्चन भी नहीं है। अरे अभिषेक बच्चन तो तू है रे, याद रख, सिवाय मिस वर्ल्ड के कुछ नहीं मिलने वाला है तेरे को। अरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मिस वर्ल्ड मिल गई तो अभी क्या होना, घर के बाहर ही नहीं निकलता हूँ मैं। क्या बेगरता है साबी ने? हाँ भाई, ये नूर इधर किधर? अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेक। भाई, इन्हें पुलिस का मकबर है मालूम हुआ? हो हो। मैं हूं ना साहब, बात करो। एक मिनट साहब, अब यार ऐसा ही साहब तो नहीं बोल के अड़ गए थे। अब वो मैं मेरी सूरत से दुनिया के अजीजियां करके कॉम्प्रोमाइज पे बात लाया। 1,00,000 रुपए ढीले कर दो और अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का ऐसा नहीं कि पीएस में कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा। आ, मेरे पान पे चुन्ना कत्था लगाने वाला मेरा कॉम्प्रोमाइज करेगा? तेरी ये औकात। जा जा, अपन 1 रुपया देने वाले नहीं है। मेरा वकील पेपर लेके आता हूँ। चल, चल, निकल। हमारे नूर भाई। जी भाई। हमारे सेठ का क्या है, जेल में रहने से उनको 2 टाइम का खाना बच जाता, उन्हें रह जाते। रजा भाई का 1 दिन 1 लाख का है, मेरे को मंजूर है। भाई, आपकी गर्दन में क्या हुआ? वो जरा गलत सो गया था। अरे, वो यार शेख की ग्रिप का असर है क्या? भाई, सामने का लोंडा 1,00,000 रुपए देता हूँ, मर रहा क्या? अपनी उतनी औकात नहीं है, जरा देखो कुछ करो। अरे नूर, इतना? जी भाई जान। उसका 1 दिन 1 लाख का होगा, यार शेख का 1-1 घंटा 1-1 लाख का है, समझा? चल, मैं दे रहा 1,00,000 रुपए, ले। ओहो, कसम सोने की चेन की, बहुत पैसा है रे तेरे पास। अब तेरी आजादी का 1 लाख नहीं, पूरे 5 लाख लूंगा। 5 लाख कहीं को? अभी बोला ना, यार शेख का 1 घंटा 1-1 लाख का है, निकाल 5 लाख। अरे यार शेख का बोला, मैं तो गुल्लू दादा हूँ। नूर भाई। हाँ भाई। भाई, आप लोगों की गिरफ्तारी की खुशी में लैला वहाँ पूरे बस्ती में मिठाइयाँ बांट लेते फिर। अगर खुदा ना खास्ता कल के दिन जेल हो गई बोले तो डेरा डाल के पूरे शहर को दावत देती हूँ। ऐसा कर रही हो कमीनी, नई बस्ती मेरे हाथों से। रजा भाई, आपके हाथ कानून के उतने लंबे नहीं है जो लॉकअप से निकल के सीधा उसकी गर्दन को पकड़ ले। इसके आस्ते पहले आपको बाहर निकलना पड़ता। मंजूर है तो जल्दी बोलो, नहीं तो मेरे को दूसरे भी कॉम्प्रोमाइज कराने जाना है। वैसे में भी साहब की ड्यूटी का भी टाइम हो रहा, अगर खुदा ना खास्ता निकल गए बोले तो कल पे आ जाती बात। ठीक है, मंजूर है। मंजूर है साहब, खुला देना था। कॉन्स्टेबल्स, पंचियों को आजाद करो। आइए, बिस्मिल्ला। आदाब। हमारे जफर साहब, मैं आपको नूर के हाथ से और एक मीठे का डब्बा भिजा दूं, मगर आप 3 दिन तक सट्टा नगर आपके इलाके में नहीं है, समझो। किसी का भी फोन आन दो, कोई भी कुछ भी बोलने दो, आप रेस्पॉन्स नको दो, बस यही मेरी गुजारिश है। ठीक है, पर एक शर्त है, किसी को जख्म नहीं पहुंचाना, किसी की हड्डियां नहीं तोड़ना और किसी के दांत नहीं फोड़ना। बेफिक्र हो, ऐसा हुआ तो आप मेरी हड्डी तोड़ दो, मेरे फसलियां तोड़ दो, मेरे हाथ तोड़ दो। डन। चल, तीनों डब्बे ले लेके आ रहा हूं शाम में, जल्दी आओ। आपका हुक्म सराखों पे मालिक। अरे, एक से वाला एक माल अपने पास आया हुआ है, कलकत्ता डिजाइनर सूट अपने पास आए हुए है। खाली अगर गर्लफ्रेंड को अगर पिना दिए ना तो उन्हें बोलना शादी कर लेती हूँ। बाबा, ये देखो, डोर भी खुला है। एक से बढ़कर एक चीख मार डिजाइनर सूट आए हुए। क्या है ये सब, क्या तरीका है ये? 2 दिन का टाइम दिया था,
पैसे नहीं दिए तो आके बैठ के अपने पैसे वसूल कर रहा हूँ। बाहर बोर्ड नहीं देखे हाँ? लैला फोन करो पुलिस को। पुलिस को करो किसको भी करो, हम तो हमारी वसूली कर रहे हैं भाई। हेलो इंस्पेक्टर, हमारी बुटीक में गुंडे घुस गए। क्या हो गया इसको? क्या हुआ रे, फोन पे उन्हें क्या बोल दिया जो इन्हें हंसते हुए निकल गई? क्या फोन पे क्या लैटरी उड़ गई या इन्हें लैटरी के सदमे में आ गई? ठहर पूछेंगे। अब पूछो। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, अरे उसको क्या बोल दिया जी, उन्हें हंसते हुए निकल गई यहाँ से। 3 दिन की छुट्टी पे हूँ बोला रे। ऐसा, अच्छा अच्छा, चलो मिया आज का मेरा कोटा खत्म हो गया, अब मैं कल आऊंगा, वो जो अंदर का सामान है ना वो बेच के जाऊंगा। ठीक है, चलो चलो मिया यहाँ से। भाई एक ही बचा, मेरी गर्लफ्रेंड के पास से ले लूं। आ, तेरे को गर्लफ्रेंड भी है? ये सुनने से पहले मैं मर गई गुने गया। आजकल के पुट्टियों का टेस्ट इतना गिर गया, बिरयानी से सीधा उत्तपा। अरे पटाने के वास्ते गट्स होना पड़ता भाई। मेरे गट्स ये है, चलो रख ले अब चल। क्या हुआ? गरीब की मेहनत तो देखो, बोर्ड पर आया सो। मम्मी जी, गुल्लू फैट 60%। हाँ भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक, 50 कम दिया था, साला एल निकाल दिया। मैं भी इसका एल निकाल देता हूँ। मुझे पीने का शौक नहीं जैसी। फुल खुश दिख रहे, कारोबार अच्छा हुआ सर का है। कारोबार? कै का कारोबार? वहाँ गुल्लू दादा तुम्हारे नाम का बोर्ड फेंक दे के खुद के नाम का लगा लिया, और आधे से ज्यादा चीज हम बेच भी दिया, वो भी 60% ऑफ में। हाँ, दीवानी वीवानी हो गए क्या मेरे नाम का बोर्ड फेंका उन्हें, उसकी इतनी हिम्मत? मगर खुशी इस बात की है कि वो गुल्लू दादा तुम्हारे नाम का बोर्ड ऐसा फेंका जैसे कोई कचरा फेंकते। अरे होली औरत, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम था ना वो बोर्ड पे, उसका अफसोस नहीं है? अफसोस? कै का अफसोस, हम तो कचरा ही है। तुम जैसे गुंडों की नजर में हम कचरा है, पुलिस की नजर में कचरा है, सरकारी तौर पे भी कचरा ही है। बस इलेक्शंस के टाइम पे थोड़े दिन ये कचरे को सर पे बिठा के रखते, उसके बाद फिर फेंक देते। तेरा ड्रामा हो गया तो हट बाजू, गाड़ी निकाल रहे खलील। हमको तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तुम अब ये सोचो कि लोग अगर तुमसे डरना बंद कर दिए तो तुम कैसा जियेंगे? डरना बंद करते जो नहीं डरेगा वो मरेगा। अल्लाह करे आज दोनों में से एक तो भी मर जाना। क्या सेठ, मेरे नाम का वोट फेंकते तुम? अब बताता हूँ, आओ। उस दिन की ग्रिप भूल गया शायद तू, फिर से देना पड़ेगा। लियो ग्रिप, अब देखता हूँ कौन सी ग्रिप लेता। अरे ये क्या तमाशा हो रहा है भाई? अरे क्या हो रहा है? क्या तमाशा हो रहा है? ये अरे भाई ये लड़ाई बंद करो। छोड़ो बाबा, छोड़ो, हटो। मेरी तो बस कर दे रहे भाई। अरे छोड़ो भाई, गुल्लू भाई, गुल्लू भाई, हमसे पंगा, हमसे। छोड़ो, और छोड़ो उसको। अरे छोड़, छोड़ो, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो। अल्लाह अकबर, अरे क्या है भाई, लॉकअप से निकाल के 24 घंटे ने हुआ बराबर, फिर आ गया आप लोगा। अगर खुदा ना खास्ता है बस्ती वाले किराक हो गए तो असेंबली तक चल जाती बात। आप खुदा के वास्ते ये लोगों को असेंबली का रास्ता नको बता। खामोश बैठ। साहब
जो भी हुआ सेल्फ डिफेंस के वास्ते हुआ, बस। एक बात बोल, वार्निंग देके भेजा था ना रे, हा? क्या कोई खून खराबा नहीं होना बस्ती में बोल के, फिर भी दोनों मिलके पूरे लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दिए। साहब आपके पुलिस स्टेशन का बोर्ड निकाल के मैं अपने लूडो क्लब का बोर्ड लगा दिया तो क्या करते आप बोलो? क्या करते देखता, क्या करते देखता, साहब हर जगह से धुआं निकालते। मैं सेल्फ रेस्पेक्ट में करा, इन्हों सेल्फ डिफेंस में करे, हम सेल्फ रेस्पेक्ट में करे, इन्हों हमारे एरिया में आके हमारा बोर्ड निकाल के इनका नाम लगा दिए। अब मैं चूड़ियां पहन के तो न बैठा ना खामोश बैठने। और आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सत्याग्रह कर रहे हैं, आजादी की जंग लड़ रहे हैं, जियारत पे आए मेरी, कुछ तो बोलिए आप लोग भी। ऐसा नहीं है साहब, हमने अपनी तमाम उम्र इस फिक्र में गुजार दी कि बाकी की उम्र बेफिक्री में गुजर सके, लेकिन इन दोनों ने हमारी फिक्र को बेफिक्री में बदलने नहीं दिया साहब। क्या हमें इतना भी हक नहीं साहब? यकीनन है, बिल्कुल है आप लोगों को। साहब हम इन दोनों के मुखालिफ नहीं है। साहब हम लोग चाहते हैं ये दो लोग एक साथ बस्ती में ना आए। और साहब ये दोनों जब भी साथ में आते हैं नुकसान हम बस्ती वालों का होता है। बात में तो दम है। ये दम दम करके हमारे कोई कुदम कर रहे साहब? हम ईमानदार सिटीजन है जाके। इंस्पेक्टर साहब एक काम करो साहब, बस्ती वालों से पूछो किसको रखना चाह रहे हैं और किसको निकालना चाह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं तुम, ये बस्ती में मेरे खानदानी जड़े हैं, 400 साल से हमारे परदादाओं के परदादाया रहते थे, ये किराए के घरों वाले मेघो निकालेंगे बस्ती से। अरे साहब इन लोगों की यही धमकियों की वजह से बस्ती में कोई आवाज नहीं उठा रहा, बस मेरी किडनी। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं बोला। सर मेरे पास एक आइडिया है, अपन इन दोनों के बीच में इलेक्शन रखेंगे और दोनों में से जो भी हारा उसको बस्ती छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या जबरदस्त आइडिया दी साहब। बच्ची कौन से कॉलेज में पढ़ते बेटे, मेरे जैसे होशियार दिख रहे आप। साहब बस्ती वाले दोनों से नफरत करते, वोट उसको देते पब्लिक जिसको चाहती। चिचा भाई के फैंस के बारे में अभी तुम्हारे को नहीं मालूम, भाई के पीछे कितने लोग से, वो तो इलेक्शंस के बाद मालूम होगा किसमें कितना दम है। मतलब तुम इन लोगों की राय से खुश है? अपन तो एनी टाइम रेडी है साहब, अपने को मालूम पब्लिक अपने फेवर में वोट देती है। तुम क्या बोलते? ये तमाशे अपने से नहीं होते तो खत्म, यही फैसला हो गया। इन रह रही तुम बस्ती छोड़ के चले जाना। मैं हूँ ना, नहीं जीतता उन्हें, आप टेंशन रखो लियो मैं हूँ। असम है सोने की चेन की। अब तो इलेक्शन लड़ूंगा और जीत के भी बताऊंगा, उसके बाद इनकेज बकरे काट के दावत करता हूँ। सूरत देख अल्लाह आपकी तमन्ना पूरी करे। मैं हूँ ना, उन्हें कब जीतना, आप ही जीतते तो ठीक है। बस फैसला हो गया, अगले हफ्ते इलेक्शन रखेंगे, जो जीता उन्हें बस्ती में रह रहा, जो हारा ये बस्ती छोड़ के चले जाना। राइट। बार बार हाँ बोल यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार। वाह मियां वाह, बरसों की तमन्ना पूरी हो गई मेरी इलेक्शन में ठहरने की। अरे भाई ये असेंबली पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं होता, ये बस्ती वालों का इलेक्शन है, वो भी ये बताने के लिए कि लोग तुम्हारे को कितना चाहते। अरे बस्ती से शुरुआत होती, खत्म पार्लियामेंट में होती, समझा? अरे मियाँ बोलो भाई। ओ एडवाइजर होना देखो अपने को, ओ क्या बोलते सो स्लोगन बताता देखो, अब की बार गुल्लू सरकार, अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास। भाई मेरे कने एक अच्छा एडवाइजर है, पॉलिटिकल पाशा बोल के। पॉलिटिकल पाशा? हो थोड़े पैसे लेता मगर अच्छे एडवाइजर देता। उसको फौरन एक झटके में मेरे दरबार में पेश कर। वाकई एक झटके में आ गया तो तुम है मियाँ एडवाइजर। हाँ। एडवाइजर मेरी एक एडवाइस सुनो, अगर मैं इलेक्शन में नहीं जीता तो तुम्हारे को ये बकरों के पिंजरे में बंद कर दूंगा, फिर तुम बाहर निकल के किसी को एडवाइस देने के काबिल ही नहीं रहेंगे, समझे? भाई मैं खुद एडवाइस देना छोड़ दिया, इन्होंने जबरदस्ती लाया मेरे को। वो कही को? आओ भाई इससे पहले पार्टी को जिताया था मैं, सिर्फ डिजायर दिलाते बोले थे, जीते बाद से फोन कर रहा हूँ फोन नहीं उठा रहे। वो सब क्या है कि मेरे को नहीं मालूम, मेरे को कैसा भी इलेक्शन जीतना है, वो कल के लौंडे के सामने मेरे को हारना नहीं है, देखो मेरी इज्जत का सवाल है, पहले बोल दे रहा हूं मैं तुम्हारे को। हाँ ठीक है भाई, एक शर्त पे करता हूँ, उन्हें सिर्फ डिजायर दिला तो मिला था, आप दिला दो कर देता हूँ। सिर्फ डिजायर? भाई मेरे ये डिजायर की जो डिजायर है वो डिजायर अब अपने हद तक रखो, ये जो सट्टा नगर देख रहे ना, ये बस्ती में आखिरी फकीरा रहते, धब्बे मारे तो जेब से 100 रुपए नहीं निकलते, समझे? भूल जाओ सब,
तुम भी भूल जाओ मेरे को। यार ये कैसा चलेगा इन्हें? तूफान के सर का आया आंधी की तरह चलेगा। क्या करना पड़ेगा ये इलेक्शन जीतने? अरे एक आइडिया सोचने इतनी देर। आइडिया भाई, बड़े लोग पब्लिक को बड़े बड़े ऑफर देते कहते हैं, अपन लोग भी ऑफर देंगे। बड़े पार्टियां क्या ऑफर देते हैं और अपन क्या देंगे? बड़े बड़े पार्टियां ना भाई, एक रुपए में चावल, फ्री में गैस का कनेक्शन, लैपटॉप और स्मार्टफोन भी देते। चार आने के बंदर को बारह आने की रस्सी। अगर अपन ऐसी ऑफर ना दिए ना, दोनों के गुर्दे कपूरे बेच के देना पड़ता। भाई कपूरे भी बिकते क्या? अरे वर्ड्स पे नहीं रे, मीनिंग पे ध्यान दे। अपन इतने महंगे ऑफर नहीं दे सकते भाई। अपन स्मार्टफोन नहीं दिए तो क्या हुआ, उसमें 200 का रिचार्ज तो करा सकते। ये आइडिया सही दिया बाप। अगर गांव में 200 लोगों का रिचार्ज कराए तो 40,000 रुपए जाते, और वो भी अपन दो हफ्ते में निकाल लेते। भाई वो भी बच जाते। कैसा? जगदीश मार्केट का सलमान है ना, उसको स्पॉन्सर बना लेंगे। खलास। सही बोला बाप। अरे अभी से तुमला मेरे पार्टी के नवरत्न हो गए। बात करो जाके जगदीश मार्केट के सलमान से। शुरू करेंगे मियां? शुरू करेंगे क्या, चालू है। कट 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 कट, हौला हो गया। अरे मैं नाक में उंगली करूं शुरू हो जाता। अरे बोला तो सही ना, हमारे सलमान खान, हमारे शाहरुख खान, आईना का निकालो, ये स्टूडियो है, धूप में थोड़ा ही बैठे हुए हैं। अरे रे रे, ये क्या कर रहे हैं मियां? सट्टा नगर की पूरी फैमिली हमारा शो देखती। दीवाने हैं, अंदर रखो ये सिगरेट और तुम भी पान रखो जी। ओके रेडी, 5, 4, 3। अरे गधे, अखल है रे तेरे को? दिख रहा नहीं रिकॉर्डिंग चल रही तो? आंखों में क्या डाल लिया तू भी? जब तक के रिकॉर्डिंग खत्म नहीं होती तू वहीं ठहरेगा। चलो शुरू करो मियां। ओके रेडी स्टार्ट, टेक 5, 4, 3। अरे क्या है ये? एक मिनट, हिल लको, तू गिन लको, स्टार्ट कर। अब तक एक सिगरेट मार लिया था। हौला हो गया रे। स्टूडियो है ना। स्टार्ट कर। 5, 4, 3। अरे कितने वक्त बोला रे, फोना साइलेंट पे डालो बोल के फोना फोड़ डालता हूँ। तुम्हारा ही बजरा। मेरे को मालूम। बेगम का फोन है, बेगम का। हेलो, कहाँ है जी? मैं बोला ना आज बहुत बड़ा इंटरव्यू है बोल के। अरे वो इंटरव्यू इंटरव्यू छोड़ो, मैं बोली थी बड़ी प्याज ला, तुम इतने छोटे छोटे डलियां उठा के लाए, अब आके तुम ही काटो। अरे एक काट देता हूँ, बच्चिया है स्कूल से। हाँ आ गए, तुम्हारे को पूछ रहे थे, वो आइसक्रीम खिलाते बोले कहते ना। अरे हो भाई, मैं आके खिलाता हूँ। बहुत अच्छा कर रहे, इतनी सर्दी में आइसक्रीम खिला रहे। कल वैसे डॉक्टर के पास भी लेके जाओ, उसके बाद स्कूल स्कूल सब बंद। आई लव यू टू। हाँ तुम यहाँ इंटरव्यू को बुलाए या अपने आशिकियाँ सुनाने बुलाए हमारे को? कब करते जी इंटरव्यू, इलेक्शन के बाद? अब खुदा क्या से खामोश बैठो, चलो स्टार्ट करो। 5, 4। क्या हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। मियाँ वो फेंक दिए, पिंडे में मिल गया समझो, उधर तवज्जो दो, बार बार झुको नको, कान में उंगली करो नको। ओके रेडी सर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सट्टा नगर में इन दिनों इलेक्शन होने वाला है, और आज हमारे पास मौजूद है स्टूडियो में कैंडिडेट गुल्लू दादा, और दूसरे हैं रजा भाई। बैनर भाइयों, हम आपको बता दें, जो भी ये इलेक्शन हारेगा उसे सट्टा नगर छोड़ना पड़ेगा। भाई ये सट्टा नगर के इलेक्शन में हम वोट क्यों दें, हमारा क्या फायदा है, हम ये जानेंगे। पहला सवाल रहेगा गुल्लू दादा से। गुल्लू दादा जी, आप हमें ये बताएं, अगर आप ये इलेक्शन जीत जाएंगे तो क्या फायदा होगा सट्टा नगर वालों का? ए देखो भाई, अगर मैं इलेक्शन जीत गया ना तो मैं सबसे पहले चाइना से डायरेक्ट पेट्रोल की पाइपलाइन लगाऊंगा सट्टा नगर में। चाइना में पेट्रोल निकलता ही नहीं है। आए इसके वास्ते इतना महंगा है पेट्रोल? तुम पहले बस्ती की वाटर पाइपलाइन सही करो, क्या पेट्रोल की बात कर रही। अरे छोड़ रे तू, तेरी छोटी सोच इतनी सरी की, मेरे को क्या बोल रहा तेरी सोच तो खाली घंटी पेट तक खत्म हो जाती। भाई, अरे भाई आराम से, हमारा जो अगला सवाल है रजा भाई से। रजा भाई, हमें आप ये बताएं, अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप क्या करेंगे?
मैं पैदल फिरने वालों पे हेलमेट लाजिम करूंगा। पागला है। अरे भाई वो क्यों? रोडों पे गड्ढे खोद गए, क्या है पब्लिक गिर जाएंगी, सर वर फुड़ेगा, इसलिए हेलमेट। अरे भाई आप रोड भी बना सकते हैं ना। अरे इतने बड़े आदमी भी नहीं हुए कुछ भी बनाए। मैं भी बोला ना, इन्हें छोटा है जी, छोटी सोचता ही नहीं, इन्हें जितना है ना उतना ही सोचता ही नहीं। भाई वैसा नहीं करूंगा, गड़े वड़े नहीं बनाऊंगा भाई, तो पूरे सटा नगर में हेलीकॉप्टर लगा दूंगा ऐसा। सहूलत पब्लिक को। अरे अरे क्या से भाई, कई को मस्करा पाना, चाइना से पेट्रोल, हेलीकॉप्टर, जो मुंह का है वो। हाँ अरे भाई आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये देखो भाई, अपनी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी आसान इंग्लिश में पूछो, बोल देता हूँ मैं। अरे भाई मेरा मतलब था आपकी तालीमी काबिलियत बताइए भाई। इतनी इंग्लिश तो आती मेरे को, अपने पास देखो कई डिग्रियां है। वही ना, कानूनी डिग्रियां 320, 307, 420 और गिनू। अरे मैं अभी बोला तेरे को, जातियत पे नहीं आना तू, क्या नो पर्सनल अटैक। अरे क्या करते जी तू। अरे अरे अरे, अरे। बहनों भाइयों मामला काफी गर्म हो चुका है, लेते हैं एक ठंडा सा ब्रेक। बहनों भाइयों आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे हटो रे, अरे क्या है? आ, आ? अरे कहाँ है रे छोटू, ला अब ला रे चाई, दोनों मिलकर दिमाग खराब कर दे रहे। बैनर भाइयों खूबसूरत ब्रेक के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं। आपने देखा काफी गरम गरम लड़ाई का मुजाहरा। बैनर भाइयों अब सवाल करते हैं रजा साहब से। थोड़े मजबूत सवाल करो यारो, क्या गुल्लू सेठ से करे जैसा हल्के सवाल कर रहे हैं अपने से भी। भाई सवाल ये है कि हाउ मेनी जीरोस इन 10 मिलियन। हाँ अब करो। अरे भाई ये सवाल ही तो है। अरे तुम क्या बैगन के सवाल आ कर रही, बस्ती के बारे में पूछो कुछ भी। अरे भाई आप ही ने कहा था कि मजबूत सवाल करने के लिए। भाई हमने सुना है कि आप हफ्तावारी भी वसूल करते हैं। अरे मैं जबरदस्ती वसूल नहीं करता हूँ, लोग मेरे को आके जबरदस्ती देते उन लोग के प्रोटेक्शन के वास्ते। कल के दिन ऐसे गुंडे आ गए तो हम इसको फेस करते ना सीना तान के। हम गुंडे? अरे अरे मैं बकरियां बेच के चला तो सारे लोगों को मालूम है, मेरे को गुंडे बोल रहा, मुंह संभाल के बात कर। अरे भाई एक मिनट रुकिए, सुना है कि आप भी इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं। सुनावा है, तू खुद लिया ना परसों 10,000 रुपए 2% से, मेरा इंटरव्यू लेता बोला तो मैं 2% से दिया तेरे को पैसे। अरे भाई मैं तुम जैसे गरीब लोगों की मदद करता हूँ, बदले में तुम लोग थोड़े पैसे ऊपर दे दिए तो उसमें बुराई क्या है? हाँ बोलो। अरे उंगली उठाना तो ऐसे गुंडों पे उठाओ जो जबरदस्ती पैसे वसूल करते। उंगली नीचे। अरे आवाज नीचे चल। नहीं करता हूँ, क्या करते? नहीं करता, नल्ली मत डालता हूँ। मत हो देखता हूँ कैसा मत। बाजू का इसको फिर गिरफ्त में लेता हूँ। अरे 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 भाई लड़ते रहेंगे तो ये इंटरव्यू कब कंप्लीट होगा? हमें घर भी तो जाना है, बेगम ने हमें बुलाया है। अरे भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट, भाई आपसे सवाल है हमारा रजा जी। ठीक है जल्दी पूछ। आप इस मोहल्ले की अमन शांति के लिए क्या करेंगे? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये गुल्लू सेठ जब चले जाएंगे बस्ती से अपने आप अमन शांति सोब आ जाता, सबको दम करके रखे हुआ है आदमी। अरे भाई यही सवाल मैं आपसे करूंगा, आप अमन शांति के लिए क्या करेंगे? अगर मैं जीत गया ना तो जो भी जबरदस्ती पैसे वसूल कर रहा ना तो उसको घसीटते हुए लाके चौरस्ते पे रख के 3 टाइम फोड़ूंगा उसकी। हाँ माइंड योर लैंग्वेज भाई, ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना फैमिलीज देखती हैं, आप अपनी जबान पर कंट्रोल करें। अरे उन्हें थोड़ी देर पहले बैगन बोला तो जब नहीं दिखा तुम्हारे को फैमिली शो? हाँ खैर कोई बात नहीं, एक काम करो वो तुम लोग टी बोल के डालते देखो, वैसी बोलो पे टी बोल के डालो, खत्म हो जाता। अरे लाइव चल रहा है ये। लाइव मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या है रे लाइव है बोल के बोलता नहीं तेरी तो। Bow, 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 bow
अरे हट बे। बाजू बेटा। सेठ बाजू से चलने की उम्र तुम्हारी है, वो खटारा बाजू लियो। आ नरसिम्हा भाई तबर। ये क्या निकाह पड़ा रहा क्या? अरे क्या पुराने फॉर्मेटों को रखा रहे भाई मैं? छी। अच्छा मौका है गांधीगिरी दिखाने का, पब्लिक दिख रही, जान दो पहले उसको। चलो रे ऑटो पीछे लो, पीछे लो ऑटो। जाइए 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 जाइए, जरा हवा भरा ले टायर में। आराम से जाओ, घर में अम्मा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हॉस्टल के रखे कहते। चलो चलो नेक्स्ट। अरे कुछ शेर वेर सुनाओ भाई। तो सुनो ना भाई, हुस्न का तिल को सिंगार की जरूरत क्या थी, क्या थी? अरे शक्कर से मरने वाले को जहर की जरूरत क्या थी? अरे वो देखो कौन आ रही, आ गया मौसम फिर से इलेक्शन का, आ गया मौसम फिर से इलेक्शन का। लीडर सलामा कर रही फिर से कलेक्शन। इतने परेशानियों में भी तुम लोग अच्छा हंस ले रहे, बोल रहे हैं और क्या करेंगे? अरे भाई क्या करेंगे भाई, घर में बीवियां सुकून से बैठने नहीं देते, या चबूतरे पे आके थोड़ा बहुत हंस लेते। अरे मैं समझा अभी तुम लोगों के शादियां नहीं हुए। शादी शादी शादियां हो गई, बर्बादी बर्बादी हो गई। फिकर नको करो, जैसा मैं इलेक्शन जीतते ही मजलूम शोहरों के वास्ते एक रेस्ट हाउस बनाऊंगा, आप लोग क्या बात जाके वहाँ आराम कर सकते हैं, मगर वोट मेरे को देना। क्या बोल रहा हूँ? चलो नेक्स्ट। एक शेर बोलता हूँ जरा गौर से सुनो। सुनाओ सुनाओ। एक शेर बोलता हूँ जरा गौर से सुनो, आगे मेरे को नहीं आता किसी और से सुनो। अरे क्या वो लौंडा अपना कचरा करके चलेगा, ये आउटडेटेड गैंग से भी वोट मांग लेंगे। चल चलो भाई चलो। सलाम सीएम साहब। वालेकुम सलाम। आपका भतीजा आपके वोट का हकदार है। मेरा भतीजा इलेक्शन में ठहरा, मेरे को मालूम ही नहीं। अरे मैं आपके भतीजे से कम हूँ क्या? बिल्कुल बराबर बराबर, वोट तो मैं को डाल रहे ना। आपको आप ही डाल रहे। वो गिरती हुई दीवार गुल्लू को कौन ओढ़ देता है? हर एक की जबान पर है नई उम्र की नई फसल, रजा है, तुम बेफिक्र रहो। बस बस यही सुनना था मेरे को। ठीक है जाओ जाओ, फिर मिलता हूँ इलेक्शन के बाद। चलो बॉयज। हेलो याद रखो, रजा भाई को ओढ़ देना, सिर्फ रजा भाई को ओढ़ देना। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे सोचा था यहाँ बैठ के मुस्कुराएंगे, किसको मालूम था यहाँ भी दलिंदर आएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। सलामुअलैकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। अंदर आना था? नहीं नहीं यही अच्छा है, बस वो इलेक्शन की तारीख और मेरा निशान याद दिलाने आया था। बकरा है ना? अरे हो भाई जरा बकरे को देना, क्या बोलो? जरूर मेहरबानी। मेरे कुछ दे रहा ना तू? अरे इंशाल्लाह। किधर निजाम अली किधर प्यास की डली, वो लौंडे से आपका क्या मुकाबला? देखे कैसी इज्जत है मियां, मगर एक कंफर्मेशन होना है, इसमें निजाम अली कौन है, प्यास की डली कौन है? आप है ना निजाम अली। अरे शुक्रिया। वोट का निशान याद रखा। चलो नेक्स्ट। अब तक 50 घर फिर लिए, पूरे अपने फेवर में है, देख रहे तुम ना? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। और 150 बचे, अभी 150 है। वाह बाय मम्मा। पहले तो मैं वो बुटीक की किच्ची के लिए सॉरी बोलना चाह रहा हूँ, आप एक ड्रेस पसंद करे थे ना, उससे कई अच्छे 5 ड्रेसेस मैं सेलेक्ट करा, आप आके मेरी बुटीक पे से ले लो। प्रॉमिस प्रॉमिस, बस वोट मेरे को डालना, समझे ना? मेरी वोट की एज इतनी है, गाड़ी चलाने की है। वो सर आदाब काका, आदाब आदाब, आइए। नमस्ते काका। बोला ये था ये पोटे की चक्कर में रखो जाओ, इन्हें पूरे महले को लूट लिया। गुल्लू भाई के मालूम ना तुमको कैसे करना मेरे थे। समाज सेवा करना, पूरी बस्ती का ख्याल रखना, और कभी कुछ परेशानी आई तो गुल्लू भाई साथ देते। समझ गए, गुल्लू भाई का ख्याल रखना, काकी और गुल्लू भाई को चोट देना। आप बोलो कुछ। फिकर मत करो गुल्लू भाई, हमारी पूरी फैमिली का वोट आपको ही चे। और जीतते नहीं तुमको इतने चॉकलेट आ देता हूँ। चल 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 चल। नमस्ते जयदी बन्ना। नमस्ते, नमस्ते भाभी। चाय की तकलीफ नको। बना रहे कौन? अच्छा सुनो, वो बुटीक पे लफड़ा हुआ था ना आपला, भूल जाओ, वो पुराना हो गया, अब इलेक्शन के दिन करीब है, आपला वोट मेरे को ही डाल रहे ना।
पूरे मोहल्ले की लेडीज आपको ही वोट दे रही। वो पुराना पापी गुल्लू से पूरी बस्ती बेजार है। देख रहा, पूरे लेडीज वोट अपने साथ है। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अपने को। चल। और कुछ भी नहीं जॉनी। आए गुल्लू भाई, आप इधर किधर। एक्चुअली मेरे अंदर भी एक छोटा आर्टिस्ट है। मेरे को मालूम है आर्टिस्ट की खबर क्या होती। आज के बाद तुम लोगों की फिल्म की जिम्मेदारी मेरी। इसका प्रोड्यूसर भी मैच, इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी मैच। जरा इलेक्शन जीतने दो, फिर देखो तुम। तुम्हारी जब फिल्म रिलीज होगी तो ऐसी बड़ी तुम्हारी होर्डिंग लगाऊंगा मैं। जॉनी जॉनी। यस दादा। वोट मेरे को दे रहे। हाँ दादा। झूठ तो नहीं बोल रहा। नो दादा। अगर मैं नहीं जीता तो। भाई पानी पियो, पूरा धूप में कलर जल जा रहा। भाई हालत रह जा रही है बाप। तू अगली गली कवर कर। ठीक है भाई। अरे क्या है ने? अरे देख लिया यारो। रजा भाई पैसों का इंतजाम होगा। रजा भाई मेरे कितनी नकली निकालो। बेटे कौन बोले? फलील बोला शायद। नहीं बेटे, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे किडनी तुम्हारे पास ही रखो। वोट किसको दे रहे? वो गुल्लू। अरे नहीं, नहीं आपको ही दे रहा हूँ। वो जुबर रहा हूँ। वो कौन डालते बकुल को वोट? सही है सही है। जब मैं इलेक्शन जीतूंगा ना, तेरे गुर्दे बेहतरीन प्राइस में बेचता हूँ, समझा ना? वो भी एसी एम्बुलेंस में लेके जाता हूँ। भाई आप तो माफ कर दो ना भाई मेरे को, मैं आपको जोरदार हूँ ना। बेहतरीन बिरयानी खा और हालत बना जा। भाई अब तो माफ कर दो। अरे जा रे भाई। भाई गुल्लू दादा गली गली फिर के कैंपेनिंग कर रहा करते, अपन भी करेंगे। या बैठ के क्या करते भाई? अच्छी दिख रही हूँ? नहीं ना दिख रहे, मैं सलमान दिख रहा हूँ। जावेद भाई। हाँ भाई। उम्मीद करता हूँ आपके घर के दो वोट मेरे हक में पड़ेंगे। अगर होना है तो मेरे गोट फॉर्म में भाभी को एक दो दिन के वास्ते लेके जाना था। अरे इसकी क्या जरूरत है गुल्लू भाई, मेरे बेगम मेरे को सुबह शाम याद दिला रहे आपको छोड़ देना है बोल के। देख रहे मियां मेरी पसपर्दा बहनों को शुक्रिया, कितनी इज्जत है लोगों के वास्ते मेरे दिल में। एक फोटो लिया हम तीनों को, लियो फोटो। आप आइए भाभी, जरा सिर पे हाथ रखो। अच्छे वो बेइज्जती याद है ना आपको, क्या इंसल्ट करा मरम रजा इनकी? मालूम है ना उस दिन? बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको तो वोट नहीं देना ना? बिल्कुल नहीं देंगे। मेरे को दे रहे ना? आओ आपको ही दे। जरा सिर पे हाथ रखो, फोटो ले मिया, फोटो ले। ले रहा हूँ भाई ले रहा हूँ। व्हाट्सएप पे सबको फॉरवर्ड करिए फोटो। अब्बा फोटो। हाँ एक आइडिया है बाप, स्वच्छ सट्टा नगर। चलो चलो भाई। अब क्या है? अरे रे रे रखो तुम रखो वो। अरे आराम से बैठो जी, आज से ये पूरे घर की जिम्मेदारी हमारी, समझ गए ना? ये जो गुल्लू सेठ पूरा लॉस करा ना, पूरा इलेक्शन के बाद सारा माल भर देता हूँ, सेंट्रल एसी करके मॉल बना देता हूँ। बॉयस। ओके बॉस। हटो जी चा। अरे कैश काउंटर में संभाल ले तो बॉस। सेल्स और गोदाम की जिम्मेदारी अपनी। तू टॉयलेट में जा और तू किचन। अरे स्वच्छ भारत अभियान मालूम ना, पूरा कांच के जैसा साफ होना। अब्बा कुछ तो भी करके जाना प्रताप। क्या तुम मेरे को वोट डालेंगे ना? तुम इलेक्शंस को लेके इतना सीरियस है? अरे नहीं जी वो। हाय हाय अल्लाह, हटो दूर हटो। चिचा जरा फैन डालो जी। हाय आखिरी गली बुआ रही थी,
दो लोगों में ये हाल है भाई। ए, इतना खराब भी नहीं है ओके। अरे अपने से बदतर था। प्लेटा बर्तना भी साफ नहीं है भैया घर के। साफ करे या नहीं, पूरा करके आया। चलो वॉइस नेक्स्ट घर। अस्सलाम वालेकुम खालिम मियां। वालेकुम सलाम। तुम्हारे को तो मालूम ना अपन इलेक्शन में ठहर रहे सो। हाँ तो एक फसी उर्दू में जबरदस्त स्पीच लिख के व्हाट्सएप करो मेरे को। अरे वो गली के इलेक्शन के वास्ते स्पीच का ही कुछ। अरे यारो क्रिकेट हो या पॉलिटिक्स गली से शुरू होती, बाद में उन्हें जाके सचिन बनता, कोई जाके केसीआर बनता। तुम खामोश स्पीच लिख के भेजो मेरे को। ठीक है शाम तक भेज रहा हूँ भाई। खुदाफिस। ये हो लेकू क्या मालूम अपन फ्यूचर के सीएम है सो। तो मेरे माफ करना, ब्रा नहीं, पूरा लफ्ज है ब्रादराने खूने खारा। नहीं माफ करना, क्या है ये खौ खारा है शायद। ये मतलब क्या है इसका? मतलब तुम्हारे को बाद में कोने में ले आके समझाता हूँ। तू खामोश बैठ के स्पीच सुन, समझा? दोस्तों मैं आपका हमदर्द का टॉनिक सिंगारा यानी के गुल्लू दादा बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? क्या मुँह से बोल रहे हैं? नहीं दिख रहा क्या? खामोश बैठ के सुनो। दोस्तों मैं जानता हूँ आप लोगों पर बहुत जुल्म हुआ, मगर ऊपर वाला जरूर जालिम को जजा देगा। जजा देंगे, सजा देंगे। अरे, पहले तो तेरी वोटिंग की उम्र ही नहीं है, खामोश बैठ के सुन। पूरे स्पेलिंग मिस्टेक है मियाँ इसमें। दूसरों की लिखी हुई स्पीच पढ़े तो ऐसी छोटा। अरे नहीं मियाँ, मैं खुद लिखा रात भर बैठ के। सुनो खामोश बैठो, तुम ना डिस्टर्ब ना करो। तुम ना घड़ी घड़ी बीच में उठ रहे तो मेरा मोबाइल लॉक हो जा रहा, फिर से खोलना पड़ रहा। हर जुल्म मिटाने को एक शहंशाह निकलता है। अरे फिर स्पेलिंग मिस्टेक, गुल्लू दादा की जगह शहंशाह गया। हालिया। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीते। इसका मतलब आप पहले हारेंगे बाद में जीतेंगे? अरे काली जबान नक्को निकालो यारो भाई, पहले जीतेंगे हार का बाद में सोचेंगे। बस अब एक बार आप लोग मेरे को वोट डाल के जीता दो, फिर देखिए कंट्री में कोई भूखा नहीं मरेगा। गुल्लू भाई ये पूरी कंट्री का नहीं, ये अपनी बस्ती का इलेक्शन है। अरे क्या ये बस्ती कंट्री में नहीं आती? खामोश बैठ के सुनो ना यारो। हाँ तो आगे है, मुल्क में कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई दुल्हन जहेज के लिए जलाई नहीं जाएगी, क्योंकि मैं हर दुल्हन को जुलेखा फर्नीचर से जहेज दिलाऊंगा फ्री में। थालिया। तो दोस्तों वोट फॉर गुड, वोट फॉर गुड, वोट फॉर गुड, वोट फॉर गुड। गुड बोले तो क्या? अरे गुड बोले तो बकरे को बोलते रे, बैल बैठ खामोश अनपढ़। यानी आपका अपना मोहर सिर्फ और सिर्फ बकरे पर लगना चाहिए। खुदाफिस। थालिया। बजाओ। अब रजा भाई की बारी है, रजा भाई को सुनो। मैं किसी की लिखी हुई स्पीच नहीं, जो भी बोलूंगा अपने दिल से बोलूंगा। जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे चिच्चाओं और चच्चियों, मेरे खालाएं और खालुओं, ये आपका बच्चा जो आपके गोद में खेला और आपके कंधे पे बैठ के पूरी दुनिया देखा। अबा अरे कंधे पे बैठ के कान में मुंह। ये आपका बच्चा आज आपसे कुछ मांग रहा है और वो है अपने जीत की भीख। एक बार मेरे को जिता दो, कब तक ये अंग्रेजों की हुकूमत? अबा और जीतने के बाद आपके बच्चों की स्कूल की फीस और उनके इलाज के पैसे रजा सरकार की तरफ से होगा। थालियां बजाओ रे, थालियां। आप इसको खाली मामूली इलेक्शन को समझो बस्ती का। एक बार मेरे को जिताओ, आप लोगों के समस्या लेके पार्लियामेंट असेंबली कांका की घुस जाता हूँ मैं। अरे चल जा रे। और आप लोगों को तो मालूम मैं घुसने में नंबर वन हूँ सो। अगर अच्छे आदमी को नहीं जीता है तो ये बुरा आदमी जीत जाता। और आपके बच्चों की स्कूल की फीस क्या इंटरेस्ट पे लाते?
खैर जाने से पहले आप लोगों के लिए मेरे दिल से एक गीत गाना चाह रहा हूँ मैं। पट्टे लगा ट्रैक। अच्छा भाई। आई ले ये क्या क्या रे, कोई भी नहीं दिख रहे पोलिंग बूथ पे। अरे अभी तो 8 बज रहे, लोगा नाश्ता करना, नहाना, घसना, धोना, उसके बाद निकलते। अपने पास पूरे नवाबा हैं, जब तक अपन 3 वोट डाल देंगे। चलो सही बोला तू, ये फ्लासिया है पूरे सट्टा नगर वाले। चल अपन वोट डालेंगे। क्या नाम है आपका? गुल्लू दादा। देख रही मैं ठहरा इलेक्शन में भी मेरे से ठीक है। जाइए आप जाइए। लिख लो आपका नाम। ABT। पूरा नाम बोलो। अकबर बिन तबर खोदाले अच्छे चुकी खबर, 6 जख्मी और 5 पटरा, फिर भी यार खा पोलिंग बूथ पे इधर। पूछ के गलती करा क्या? जाइए उधर जाइए। ये गलती बार बार करो। कार्दन भाई आप या। गुल्लू भाई को जीता दो, रजा को हरा दो। आ। भाई की जीत पक्की। हाँ कुछ भी बोलो मियाँ, अपने 3 वोट तो पड़ गए। अब मीटिंग है उधर। चल इसका मजा तो जीते बाद बता। होती जो चल रहा है सट्टा नगर लाइफ में आपका स्वागत किया जाता है। क्या आप इस सिलेक्शन में जीत पाएंगे? जीतेंगे क्या जी, हम ही जीत रहे हैं। ऑलरेडी 3 वोट पड़ गए उधर। बैनर भाइयों 3 वोट पड़े हैं, क्या इन 3 वोटों से आप जीत जाएंगे? ये देखो भाई, जीतने के वास्ते 1000 वोट नहीं, 1 वोट काफी रहता। हाँ। और वोट भाई कुछ गिरेगा क्योंकि जीत जाएंगे हम। चलो चलो। मुबारक। बैनर भाइयों ये कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट? आप इंतजार करते हैं अगले कैंडिडेट रजा भाई का। देख दूसरा लीडर आ रहा। क्या रे पूरा सन्नाटा दिख रहा, क्या तो भी है, पूरा ग्राउंड खाली दिख रहा, एक भी प्लेयर नहीं है। लोगा भूल गए क्या तो भी? भाई सुबह सुबह कामों को जाने से पहले लोग धनाधन धनाधन मारकर चले गए होंगे। ऐसा चल अपने वोट डालेंगे। कितने परसेंट हुई पोलिंग? क्या आश्रय जी, इनके सामने हंसते, यहाँ के कैंडिडेट हैं नो। अरे ऐसे कई कैंडिडेट आए और गए, वोट डालो जाओ यहाँ से। इसको गौर से देख ले, पोलिंग के बाद इसके मुंह पे कपड़ा डाल के मारेंगे। पक्का मैं जीत रहा हूँ बाप। सब उधर। अरे एक मिनट, क्या आपको लगता है आप इस इलेक्शन में जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, अब की बार रजा सरकार। सुबह से धुआंधार वोटिंग हुई, पूरे वोट रजा भाई को गिरे। बहनों भाइयों सुबह से हम इस इलेक्शन बूथ पर खड़े हैं, यहाँ पर कोई वोट देने आया ही नहीं और ये कहते हैं धुआंधार वोटिंग हुई है। स्टूडियो के जूते भूल गया क्या? बैनर भाइयों मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं जाइएगा नहीं। अब देख क्या करता। हाँ? हाँ? अरे वो लगा पटाखे फोड़ रहे, तू क्या फोड़ रहा? एले फोड़ू एले फोड़ू एले। अरे तुम कई को टेंशन ले रहे जी, अब मैं क्या फोड़ता हूँ तुम वो देखो खाली। अरे ठहरो रे। अरे अरे सेठ क्या है रो, तुम रोको इनको। गर तुम लोग आज। अरे अरे रखो रे भाई। अरे क्या कर रहा है? आओ अब आओ रे साले आओ। अरे रोको यार, रो पूरी बस्ती उड़ जाती। ये फुटिंगा रहा जब मालूम होगा ये सुतली बम से क्या डरा रहा। रे टार्जन सिलेंडर उठा भाई।
कितना टाइम हो गया भाई, एक भी नहीं आया। क्या है रे, पब्लिक कहीं को नहीं है, समझने नहीं आ रहा। मेरे को भी वही समझ में नहीं आ रहा भाई। तुम ला फौरी बस्ती को भागो, हाथा पैरा जोड़ के जबरदस्ती खींच लेते लो। जाओ ठीक है, चल रहे भाई। अरे हाँ भाई, ये लोग महल्ले से लोगों को लाने जा रहे हैं। क्या है कि भाई वैशिष दिख रहा मेरे को। अरे दिख रहा तो यहाँ क्या करे, जाओ ना तुम लोग अभी। भाई एक काम करता हूँ, ऑटो से भर के पूरों को लेके आता हूँ। जाओ भागो जाओ। चल रहे दरअसल जल्दी। अस्सलाम वालेकुम साहब। क्या हुआ साहब, क्या बोल रही पोली, कितना कलेक्शन है? देख रहा नहीं, बदला निकाल ले रिपब्लिक। एक मिनट साहब, आ गया। देखो साहब बेचैन आत्मा का फोन, कोई जगह नहीं है। बोल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गुल्लू भाई। कहाँ है रे, जरा पोलिंग बूथ पे जाके देखना था। ये भी कोई बोलने की बात है भाई, घर का काम है अपने, सुबह से यही खड़े हुआ हूँ। ऐसी खतरनाक पोलिंग हो रही, बता नहीं सकता मैं आपको। अरे साहब दो डब्बे भर गए कहते, और एक मंगाना पड़ा कहते। आपकी जीत कंफर्म है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मोतिया बहार का फूल का हार और असली घी के दूध पेड़े मंगा के रेडी रख लो, लोगों को बांटना है। चल चल फोन रख। ठीक है साहब। झूठा झूठ बोला तो गधे की फटी कर। देखो साहब दूसरे शैतान का भी फोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम रजा भाई। वालेकुम सलाम नूर भाई, जरा पोलिंग बूथ जाके मेरे को रिपोर्ट देना था। अरे भाई जान फजर पड़ के आप पोलिंग बूथ के पास ही खड़े हुआ हूँ, ऐसी डचाडच पब्लिक है मैं बता नहीं सकता आपको। अरे हल्लू हल्लू जाओ यारो। भाई जान एक को एक ढकल रहे, लोगा लोगा बोल रहे, वोट डालेंगे तो रजा भाई कुछ डालेंगे बोल रहे। मैं बोल रहा हूँ आपको एक असली गुलाब का फूल का हार और छमछम मंगा के रेडी रख लो, लोगों में बांटना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या आखिरी झूठा है इन्हें तो। चल वोटिंग खत्म होने के लिए सिर्फ एक घंटा बाकी है। चलो भाई। अरे भाई दरवाजा कहीं को लगा लिया भाई, इलेक्शन का टाइम खत्म हो जा रहा, आओ भाई। बाजी चलो जी, चलो जी भाई, टाइम हो रहा, रजा भाई को वोट डालना है। चलो चले गए नाका दल के, कहा तो भी चले गए भाई। चलो जी अम्मा वोटिंग का टाइम हो रहा, हाला चलो वोट डाल ले। वोटिंग खत्म होने के लिए सिर्फ आधा घंटा बाकी। हाँ हेलो, कहाँ है तुम, खाने को नहीं आते? इंतजार कर रही हूँ ना। अच्छा क्या, अच्छा क्या पकाए? आई तुरई का सालन पकाई जी। अरे तुरई तुरई रोजाना वही। अरे कोई दूसरा सालन बनाने नहीं आता? अरे अरे छोड़ भाभी, बात तो बात करो। अरे 10 मिनट है करे, एक वोट होना मेरे को, तेरा बहुत कीमती वोट है मेरे वास्ते, वोट डाल जा। अरे तू मेरे 25,000 देना है ना, चल 10,000 माफ कर देता हूँ, जा डाल दे जा जा। खाली 10,000? अरे अच्छा पूरे माफ कर देता हूँ, जा जा रे वोट डाल। ऊपर क्या दे रहे? हाँ ऊपर ब्लैकमेल कर रहा मेरे को। अच्छा चल ऊपर 10,000 दे तो जा। अरे 10,000 तो पूरे पट्टियों में लगाई जी, पूरा 25,000 दो मेरे को। अच्छा जा पूरे 25 और दे तो जा, जा वोट डाल जा भाग। अच्छा देखो बेगम का फोन आएगा ना, एक 10 मिनट के बाद करता हूँ। अरे मैं बोल देता हूँ, जा जा। इलेक्शन के बाद एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। अरे बकरे पे वोट डाल। हाँ मालूम। क्या नाम है तुम्हारा? आपका दोस्त तमीम सयानी। जिता दिया तू मेरे को। अब भाई तेरे को तेरा पर्सनल न्यूज चैनल खोल के दूंगा जैसा मैं जीतूंगा, याद रख। अरे रजा सुन एक खुशखबरी, भाई जीत गए, बस्ती का ये वोट मेरे को गिरा, अब तू गया रे काम से, चल निकलने की तैयारी कर। भाई हम वोट डालने तो गए लेकिन वोटर लिस्ट में बैनर भाइयों हमारा नाम ही नहीं है। आए तो बहनोर भाइयों आपको जीने का कोई हक भी नहीं है, तेरी तो। हेलो फोन कट कर। हाँ भाभी तमीम सैनी साहब का अभी अभी इंतकाल हो चुका है। जी हाँ भाई, क्या ठहरो ठहरो जी, रुको वहाँ। क्या है बोल? बस्ती में दरवाजा कोई भी नहीं खोल रहे भाई। अरे टाइम नहीं है रे भाई, थोड़ा टाइम बाकी रह गया, ये इलेक्शन मेरे को कैसा भी जीतना है भाई, एक वोट कैसा भी लेके रहूंगा। हट हट, कहाँ जा रहे भाई? भाई कोई भी दरवाजा नहीं खोला जी, पूरे बहाने बना रहे भाई नहीं आने के। ये बस्ती वाले गेम खेल दिए रे अपने साथ,
इन्हें एक आखिरी उम्मीद दिख रहा मेरे को, तुमने यही ठहरो। ठीक है, मैं इसको कन्विंस करके आता हूँ। अरे भाईजान, मैं कितना परेशान हो गया। तुम्हारा ड्रामा नको, कट्टू कट बात करो। एक वोट डाल दो, 10,000 रुपए दे दो। रजा भाई, आपसे मेरे को दिली मोहब्बत है, ये पैसों की बात करके शर्मिंदा करते रहे आप। पैसा क्या है जी, हाथ का मैल है। अरे ये थके हुए डायलॉग है नको, तुम वोट डाल रहे नहीं डाल रहे। अरे कैसा डालूं भाई, वो सट्टा नगर की पोलिंग हो रही, मैं पट्टा नगर का हूँ, वोटिंग लिस्ट में नाम भी नहीं है मेरा। तू कुछ भी करके वोटा दिला दे बाप, तेको ऐसी 500 खोल के देता हूँ। अरे कैसा दिलाऊं भाई। अरे इतने कॉम्प्रोमाइज ना करा था ना, वो पुलिस से बात कर, अपन जो भी है देख लेंगे। तू बोल बाप। अरे भाईजान, पोलिंग बूथ पे जो ऑफिसर बैठे हुआ है आखिरी कड़क है, उन्हें रिश्वत की बात भी करे तो ले जाकर जेल में पटक देता उन्हें। मेरे एरिया में तो भी रहता तो मेरा क्या, मेरे पूरे घर का वोट आप कुछ जलाता था मैं। नूर होता नहीं होता भाईजान, एक काम करो, अगला इलेक्शन मेरे एरिया से लड़ो आप, मेरा क्या मेरी पूरी बस्ती का वोट आपको जलाता मैं। तो नहीं करता बोल। माफी चाहता हूँ भाई, मेरे हाथा बने हुए है, वोटिंग खत्म होने के लिए सिर्फ 10 मिनट बाकी है। ए भाई, दरवाजा खोलो भाई, तुम्हारे बच्चे जी भाई, भाई मेरे दरवाजा खोलो, एक वोट का सवाल है मेरे भाई, भाई अरे भाई मेरे, एक वोट का सवाल है मेरे भाई, भाई तुम्हारी उम्र दराज है मेरे भाई, इलेक्शन का टाइम हो रहा मेरे भाई, एक वोट का सवाल है मेरे भाई। ए भाई, एक वोट का सवाल है भाई, ए भाई अरे खुदा, एक वोट देने वाला भी नहीं है क्या ये बस्ती में। भाई 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 क्या हुआ भाई, उठो भाई तुम। हेलो लैला, कहाँ है तुम, बाबा के साथ आके जल्दी वोट डालो, टाइम खत्म पे। रजा मैं क्या बोलूं तुम्हाकू, हम लोगों को ये दिन का इंतजार रात से था, हम लोग सोच रहे थे कि कब दिन होगा और कब हम तुम्हाकू आके वोट करेंगे, लेकिन एक्चुअली कल रात में 3 बजे गुलबर्गा से फोन आया, हम लोगों के नानी की तबीयत बहुत खराब हो गई बोल के, तो अचानक 4 बजे हम लोगों को निकलना पड़ा, लेकिन हम लोग आ जाएंगे कल तक। कल आके क्या मेरी मैयत पे फातिहा पढ़ते, सब झूठे बातें हैं तुम्हारे, तुम यही छे मालूम है को। हाँ मालूम हो गया तुम्हारे को, हाँ यही छे हम लोग। वैसे एक बात बोलूं, तुम लोगों को एक जना भी वोट डालने वाला नहीं है, सो गुड लक, जो करना है करो, ठीक है, बाय पार्टनर। सर मेरे पास एक दूसरा आइडिया है, अब आप सब लोग गौर से सुनिए मेरी बात, इन लोगों को इलेक्शंस की तैयारी करने देंगे लेकिन इलेक्शंस के दिन कोई भी वोट नहीं डालेगा। आप लोग बस्ती में भी जाके सबको बोल दीजिए कि इलेक्शंस के दिन घर से कोई बाहर भी नहीं निकलेगा। अरे वो देख, वोट आ गया। चिचा, अब इंसान ने फरिश्ता है, ऊपर वाले ने मेरे हक में वोट डालने के लिए भेजा, चलिए। अरे रे 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 रे, बॉस की क्या हालत हो गई रही है। अरे आने वाले के पैर पड़ रहे क्या रे बॉस, चलिए। अरे ठहर, उन्हें तेलुगु है, उनको हिंदी नहीं आती। ताता नाकू वोटे वा, आई ना बुरा मंची, नाकू वोटे या। क्या बोल रहे तुम होंगे, चलो। ये एक वोट से जीत गए अपन। अरे चिचा उठो जी, अरे आपका एक वोट मेरी जिंदगी बदल सकता, जरा उठ जाओ जी। चिचा चिचा, ताता मी वोट ना कुछ चालू मुख्य में ऐसा निजाम है, ताता वोट ही ताता का सवाल है, उठो चिचा चिचा। इसी के साथ ही सट्टा नगर का वोटिंग इलेक्शन खत्म होता है।
सट्टा नगर के इलेक्शन में दोनों पार्टियों को तीन तीन वोट मिले हैं, इसलिए ये इलेक्शन टाई होता है। दूर से देख के रेगिस्तान में रेत को पानी समझ लिया। कुछ अच्छे लोगों ने अहंकार में अपने आप को सियासतदान समझ लिया। अब बस्ती से जाते या जेल में जाते? ये बस्ती छोड़ के बैगन भी नहीं जाता हूं। चलो जेल को। देख मिया, मानता बोले तो एक बात बोलता हूं, मानना नहीं मानना तेरी मर्जी है। अब और जलील नहीं होना है अपने को। देख लिया ना बस्ती वालों की नजर में अपनी औकात, एक जना भी वोट देने नहीं आया अपने को। हजारों के दिलों में खौफ बिठाना आसान काम है, मगर किसी एक के दिल में मोहब्बत लाना कितना मुश्किल काम है। आज ये मेरे को मालूम हो गया। तेरे सामने उम्र पड़ी हुई है, अब हमारी उम्र में आके सुधरेगा तो लोग यही बोलेंगे बिल्ली सौ चूहे खा के हचकू चली। इसीलिए मैं तेरे को एक मशवरा दे रहा हूँ, आज भी तेरे पास वक्त है, तू अपने आप को चेंज कर, जिंदगी बदल, जीने का एक मकसद बना। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो अमल कर। मेरा एक अच्छा मशवरा है जो मैं तेरे को देके जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। आज पहली बार सेठ की बात दिल को लगी, शायद दिल से बोले होंगे। इंस्पेक्टर साहब, चलो बस्ती छोड़ दिया मैं।